हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है डैसिंग सीएम भारत तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैशिंग सीएम भारत से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या था तेलुगु भाषा में यह जो फिल्म बनी थी उसका ओरिजिनल नाम क्या था और इसे लोगों ने कितना पसंद किया और यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि फिल्म डैसिंग सीएम भारत यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म का तेलुगु में जो ओरिजिनल नाम है वो भारत अने नेनु है यानी भारत अने नेनु एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरा ताला सिवा ने लिखा और निर्देशित किया है जबकि डीवीवी दानिया ने इसका निर्माण किया है फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं उन्हें उनके साथ कियारा आडवाणी प्रकाश राज आर शरद कुमार अमानी देवराज पोसानी कृष्ण मुरली पी रविशंकर यशपाल शर्मा अजय राव रमेश जीवा और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार हैं संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था जबकि ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म का संपादन किया टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है कोरा ताला सिवा ने जबकि इस फिल्म की कहानी को कोराताला सिवा ने ही लिखा है फिल्म को डीवीवी दानिया के द्वारा उत्पादित किया गया और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्रन ने और संपादित किया है ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म में जो गाने हैं देवी श्री प्रसाद ने दिए हैं और उत्पादन कंपनी जो है वो डी वी वी इंटरटेनमेंट्स के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल 2018 को यह फिल्म रिलीज़ की गई और एक मिनट की इस फिल्म की रन टाइम है यह फिल्म इंडिया के अंदर तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट पैंसठ करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक से दो करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भारत पर आ, भारत पर आधारित है जो अपने पिता आंध्र प्रदेश यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश जब वो आपस में एक था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस समय के कहानी ली गई है और उसके पिता जब मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो भारत इंडिया लौटता है और भ्रष्टाचार से निराश भारत नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का फैसला करता है और अंततः विवादों का सामना करता है और दुश्मन बहुत सारे बना लेता है इसी के ऊपर इस फिल्म को डिपेंड करा गया और इस फिल्म के ऊपर ही इस फिल्म को बनाया गया है यह फिल्म 20 अप्रैल 2018 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारत एन नेनू ने सत्तासी छह से 225 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यवसायिक सफल फिल्म रही अब बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही और यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर वहाँ पर वन क्लिक में आप इस फिल्म को देख सकते हैं बात करें इस फिल्म के रेटिंग के बारे में तो लोगों ने जो फिल्म को रेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग 7.5 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी के त के ऊपर दर्ज की गई है और 84 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आप महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म और कहां कहां उपलब्ध है यह सारी चीजें हम आपको बताएंगे तो जी फाइव के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर वन क्लिक में आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर भी वन क्लिक में यह उपलब्ध है और एमेजॉन प्राइम वीडियोज के ऊपर यह फिल्म सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध है तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं यूट्यूब की बात करें तो ऑफिशियली तरीके से यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध नहीं है इस फिल्म की ओरिजिनल डबिंग नहीं की गई है हिंदी हिंदी में यानी ओरिजिनल डबिंग नहीं है बस उनके फैंस डब के द्वारा ही फिल्म चारों तरफ अपलोड की गई है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन पर यह फिल्म अभी तक हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और यह फिल्म बहुत जल्दी ही आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा भारत एन एन एनू को 20 अप्रैल 2018 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जबकि भारत एन एन नान नान नामक डब तमिल संस्करण को भी 25 मई 2018 को थिएटर के अंदर रिलीज़ किया गया था बाद में इसे 2 नवंबर 2018 को डैसिंग सीएम भारत के रूप में हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म जो उपलब्ध है गोल्ड माइंस के ऊपर तो इस फिल्म का प्रीमियर वहाँ पर ही होगा अब बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो महेश बाबू इस फिल्म के अंदर भरत राम का रोल कर रहे हैं और कियारा आडवाणी इस फिल्म के अंदर वासुमती का रोल कर रही हैं और वरद वरदराजुलू का जो रोल है वो प्रकाश राज ने किया है आर समर्थ कुमार राघव राव ने किया है और सितारा इस फिल्म के अंदर भरत की सौतेली माँ बनी है आमानी भरत की माँ के रूप में दिखाई गई हैं पी रविशंकर विधायक के रूप में दिखाए गए हैं पोषानी कृष्ण मुरली मंत्री बने हैं देवराज विपक्षी नेता श्रीपति बने हैं राव रमेश हेड कांस्टेबल रामचंद्र का रोल कर रहे हैं ब्रह्मा जी भास्कर के रूप में दिखाए गए हैं और अजय अरविंद का रोल कर रहे हैं बनर्जी ने मंत्री का रोल किया है जीवा शिक्षा मंत्री पारा ब्रह्मम पीवी का रोल किया है पृथ्वीराज विधायक के रूप में देखे गए हैं देखने के लिए मिलेंगे देवदास कनकला वरिष्ठ राजनीतज्ञ के रूप में दिखाई दिए हैं और शत्रु ने दामू का रोल किया है दामू के बेटे जगदीश का रोल किया है सूर्या ने मित्रा का रोल किया है और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है जिसमें वो कामयाब भी होते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का क्या अपना ओपिनियन था और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा तो हिंदुस्तान टाइम की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए और कहा सीएम के रूप में महेश बाबू एक नए युग की शुरुआत करते हैं महेश बाबू के पास व्यवसायिक सिनेमा की सबसे अच्छी चीज़ें हैं एक मजबूत विषय एक कसी हुई फिल्म और एक ऐसी भूमिका जिसे वह निभा सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सुहा सुहास यलांगपुला ने पाँच में से तीन दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और कहा उसमें उल्लेख किया कि भारत ए, नेनु, ए, ए एन एन एने आपको बहुत कुछ देता है और इसके पैसे का पूरा मूल्य यानी कि यह एक पैसा वसूल फिल्म है पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो 6 जनवरी 2019 को जी सी अवार्ड तेलुगु ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संवाद सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खोज महिला यानी कियारा आडवाणी को अवार्ड दिया और भी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए इसे नॉमिनेट किया गया फिल्म का जो हिंदी एल्बम हिंदी वर्जन है वो जी नेटवर्क के पास है तो इस फिल्म को जिस जी सिनेमा जी के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर होगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे और होता भी रहता है और जी मूवीज़ के ऊपर भी इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने के लिए मिल सकता है हालांकि ये अभी ऑफिशियली नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमको मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कहानी दिखाई जाती है इस फिल्म के अंदर जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग भरत राम एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र है जो ऑक्सफोर्ड में अपनी पाँचवीं डिग्री प्राप्त करता है जश्न मनाने के बाद उसके चाचा उसे बताते हैं कि उसके पिता राघव राव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी स्ट्रोक में यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई भरत घर पहुंचता है और पुरानी यादव ताज़ा करता है और चीज़ें सब चीज़ उसे यानी कि फ्लैशबैक में कहानी चलाया जाता है वहाँ दिखाया जाता है कि एक बच्चे के रूप में भरत अपना अधिकांश समय अपनी माँ और सबसे अच्छे दोस्त सुभाष के साथ बिताता था, था, था क्योंकि उसके पिता अपने सबसे अच्छे देश दोस्त वरद राजू पार्टी अध्यक्ष जो भारत के भारत के चाचा भी है उनके साथ राजनीतिक पार्टी की स्थापना में व्यस्त है एक छोटा सा वादा तोड़ने के बाद उसकी माँ उसे डांटती है और उसे प्रतिबद्धता के महत्व के बारे में बताती है और वो बाद में अपनी उस अपनी नींद में मर जाती है जिससे भारत पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसके बाद राघव उसके बाद राघव राव घर की देखभाल करता है लेकिन वरद वरदरुजुलू उसे बताता है कि उसे आगामी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और सुझाव देता है कि वह भरत को एक नई माँ लेके यानी दोबारा शादी कर ले वो वह सहमत हो जाता है और नई शादी कर लेता है नई पत्नी से एक बच्चा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है और भरत की अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाने की कोशिशें विफल हो जाती हैं इसलिए वह सुभाष के घर पर अधिक समय बिताता है जल्द ही सुभाष के माता पिता को लंदन में नौकरी मिल जाती है और वो लोग उनके और वो भरत भी वहाँ लंदन चला जाता है अब उनके मृत्यु के बाद जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था सब उथल पुथल हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें देखता है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए ही वो आया होता है लेकिन अचानक उसके दिल में आता है और वो वहाँ का मिनिस्टर यानी सीएम की कुर्सी संभाल लेता है उसके बाद क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है डैसिंग सीएम भारत तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सी भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या था तेलुगु भाषा में यह जो फिल्म बनी थी उसका ओरिजिनल नाम क्या था और इसे लोगों ने कितना पसंद किया और यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि फिल्म डैसिंग सीएम भारत यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म का तेलुगु में जो ओरिजिनल नाम है वो भारत अने नेनु है यानी भारत अने नेनु एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरा ताला सिवा ने लिखा और निर्देशित किया है जबकि डीवीवी दानिया ने इसका निर्माण किया है फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं उन्हें उनके साथ कियारा आडवाणी प्रकाश राज आर शरद कुमार अमानी देवराज पोसानी कृष्ण मुरली पी रविशंकर यशपाल शर्मा अजय राव रमेश जीवा और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार हैं संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था जबकि ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म का संपादन किया ते, टे, टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है कोरा ताला सिवा ने जबकि इस फिल्म की कहानी को कोरा ताला सिवा ने ही लिखा है फिल्म को डीवीवी वी दानिया के द्वारा उत्पादित किया गया और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्रन ने और संपादित किया है ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म में जो गाने हैं देवी श्री प्रसाद ने दिए हैं और उत्पादन कंपनी जो है वो डी वी वी इंटरटेनमेंट्स के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल 2018 को यह फिल्म रिलीज़ की गई और एक मिनट की इस फिल्म की रन टाइम है यह फिल्म इंडिया के अंदर तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट पैंसठ करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक से 225 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भारत पर आ, भारत पर आधारित है जो अपने पिता आंध्र प्रदेश यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश जब वो आपस में एक था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस समय के कहानी ली गई है और उसके पिता जब मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो भारत इंडिया लौटता है और भ्रष्टाचार से निराश भारत नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का फैसला करता है और अंततः विवादों का सामना करता है और दुश्मन बहुत सारे बना लेता है इसी के ऊपर इस फिल्म को डिपेंड करा गया और इस फिल्म के ऊपर ही इस फिल्म को बनाया गया है यह फिल्म बीस 20 अप्रैल दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारत एन एनू ने एक सौ से 225 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यवसायिक सफल फिल्म रही अब बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही और यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर वहाँ पर वन क्लिक में आप इस फिल्म को देख सकते हैं बात करें इस फिल्म के रेटिंग के बारे में तो लोगों ने जो फिल्म को रेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग 7.5 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी के तरफ के ऊपर दर्ज की गई है और 84 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आप महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म और कहां कहां उपलब्ध है यह सारी चीजें हम आपको बताएंगे तो जी फाइव के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर वन क्लिक में आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर भी वन क्लिक में यह उपलब्ध है और एमेजॉन प्राइम वीडियोज के ऊपर यह फिल्म सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध है तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं यूट्यूब की बात करें तो ऑफिशियली तरीके से यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध नहीं है इस फिल्म की ओरिजिनल डबिंग नहीं की गई है हिंदी हिंदी में यानी ओरिजिनल डबिंग नहीं है बस उनके फैंस डब के द्वारा ही फिल्म चारों तरफ अपलोड की गई है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविजन पर यह फिल्म अभी तक हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और यह फिल्म बहुत जल्दी ही आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा भारत एन एन एनू को 20 अप्रैल 2018 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जबकि भारत एन एन नान नान नामक डब तमिल संस्करण को भी 25 मई 2018 को थिएटर के अंदर रिलीज़ किया गया था बाद में इसे 2 नवंबर 2018 को डैसिंग सीएम भारत के रूप में हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म जो उपलब्ध है गोल्ड माइंस के ऊपर तो इस फिल्म का प्रीमियर वहाँ पर ही होगा अब बात कर लें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो महेश बाबू इस फिल्म के अंदर भरत राम का रोल कर रहे हैं और कियारा आडवाणी इस फिल्म के अंदर वासुमती का रोल कर रही हैं और वरद वरदराजुलू का जो रोल है वो प्रकाश राज ने किया है आर समर्थ कुमार राघव राव ने किया है और सितारा इस फिल्म के अंदर भरत की सौतेली माँ बनी है आमानी भरत की माँ के रूप में दिखाई गई हैं पी रविशंकर विधायक के रूप में दिखाए गए हैं पोषानी कृष्ण मुरली मंत्री बने हैं देवराज विपक्षी नेता श्रीपति बने हैं राव रमेश हेड कांस्टेबल रामचंद्र का रोल कर रहे हैं ब्रह्मा जी भास्कर के रूप में दिखाए गए हैं और अजय अरविंद कृष्ण का रोल कर रहे हैं बनर्जी ने मंत्री का रोल किया है जीवा शिक्षा मंत्री पारा ब्रह्मम पी का रोल किया है पृथ्वीराज विधायक के रूप में देखे गए हैं देखने के लिए मिलेंगे देवदास कन्नकला वरिष्ठ राजनीतज्ञ के रूप में दिखाई दिए हैं और शत्रु ने दामू का रोल किया है दमू के बेटे जगदीश का रोल किया है सूर्या ने मित्रा का रोल किया है और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है जिसमें वो कामयाब भी होते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का क्या अपना ओपिनियन था और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा तो हिंदुस्तान टाइम की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए और कहा सीएम के रूप में महेश बाबू एक नए युग की शुरुआत करते हैं महेश बाबू के पास व्यवसायिक सिनेमा की सबसे अच्छी चीज़ें हैं एक मजबूत विषय एक कसी हुई फिल्म और एक ऐसी भूमिका जिसे वह निभा सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सुहा सुहास यलांगपुला ने पाँच में से तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा उसमें उल्लेख किया कि भारत ए ए एन एन नेनू आपको बहुत कुछ देता है और इसके पैसे का पूरा यानी की यह एक पैसा वसूल फिल्म है पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो 6 जनवरी 2019 को जी ने अवार्ड तेलुगु ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संवाद सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खोज महिला यानी कियारा आडवाणी को अवार्ड दिया और भी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए इसे नॉमिनेट किया गया फिल्म का जो हिंदी एल्बम हिंदी वर्जन है वो जी नेटवर्क के पास है तो इस फिल्म को जिस जी सिनेमा जी के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर होगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे और होता भी रहता है और जी मूवीज़ के ऊपर भी इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने के लिए मिल सकता है हालांकि ये अभी ऑफिशियली नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमको मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कहानी दिखाई जाती है इस फिल्म के अंदर जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग भरत राम एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र है जो ऑक्सफोर्ड में अपनी पाँचवीं डिग्री प्राप्त करता है जश्न मनाने के बाद उसके चाचा उसे बताते हैं कि उसके पिता राघव राव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी स्ट्रोक में यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई भरत घर पहुंचता है और पुरानी यादें ताज़ा करता है और चीज़ें सब चीज उसे यानी कि फ्लैशबैक में कहानी चलाया जाता है वहाँ दिखाया जाता है कि एक बच्चे के रूप में भरत अपना अधिकांश समय अपनी माँ और सबसे अच्छे दोस्त सुभाष के साथ बिताता था, था, था क्योंकि उसके पिता अपने सबसे अच्छे देश दोस्त वरद राजू पार्टी अध्यक्ष जो भारत के भारत के चाचा भी है उनके साथ राजनीतिक पार्टी की स्थापना में व्यस्त है एक छोटा सा वादा तोड़ने के बाद उसकी माँ उसे डांटती है और उसे प्रतिबद्धता के महत्व के बारे में बताती है और वो बाद में अपनी उस अपनी नींद में मर जाती है जिससे भारत पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसके बाद राघव आ, उसके बाद राघव राव घर की देखभाल करता है लेकिन वरदरुजुल उसे बताता है कि उसे आगामी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और सुझाव देता है कि वह भरत को एक नई मालिक के यानी दोबारा शादी कर ले वो वह सहमत हो जाता है और नई शादी कर लेता है नई पत्नी से एक बच्चा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है और भरत की अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाने की कोशिशें विफल हो जाती हैं इसलिए वह सुभाष के घर पर अधिक समय बिताता है जल्दी सुभाष के माता पिता को लंदन में नौकरी मिल जाती है और वो लोग उनके और वो भरत भी वहाँ लंदन चला जाता है अब उनके मृत्यु के बाद जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था सब उथल पुथल हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें देखता है और कुछ फॉर्मेलिटीज करने के लिए ही वो आया होता है लेकिन अचानक उसके दिल में आता है और वो वहाँ का मिनिस्टर यानी सी की कुर्सी संभाल लेता है उसके बाद क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है डेसिंग सीएम भारत तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या था तेलुगु भाषा में यह जो फिल्म बनी थी उसका ओरिजिनल नाम क्या था और इसे लोगों ने कितना पसंद किया और यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि फिल्म डैसिंग सीएम भारत यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म का तेलुगु में जो ओरिजिनल नाम है वो भारत अने है यानी भारत अने एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरा ताला सिवा ने लिखा और निर्देशित किया है जबकि डीवीवी दानिया ने इसका निर्माण किया है फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं, उन्हें उनके साथ कियारा आडवाणी प्रकाश राज आर शरद कुमार अमानी देवराज पोसानी कृष्ण मुरली पी रविशंकर यशपाल शर्मा अजय राव रमेश जीवा और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार हैं संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था जबकि ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म का संपादन किया टेक्निकल ते, ते, डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है कोरा ताला सिवा ने जबकि इस फिल्म की कहानी को कोरा ताला सिवा ने ही लिखा है फिल्म को डीवीवी वी, -वी दानिया के द्वारा उत्पादित किया गया और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्रन ने और संपादित किया है ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म में जो गाने हैं देवी श्री प्रसाद ने दिए हैं और उत्पादन कंपनी जो है वो डी वी वी इंटरटेनमेंट्स के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल 2018 को यह फिल्म रिलीज़ की गई और एक मिनट की इस फिल्म की रन टाइम है यह फिल्म इंडिया के अंदर तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट पैंसठ करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक से 225 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भारत पर आ, भारत पर आधारित है जो अपने पिता आंध्र प्रदेश यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश जब वो आपस में एक था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस समय के कहानी ली गई है और उसके पिता जब मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो भारत इंडिया लौटता है और भ्रष्टाचार से निराश भारत नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का फैसला करता है और अंततः विवादों का सामना करता है और दुश्मन बहुत सारे बना लेता है इसी के ऊपर इस फिल्म को डिपेंड करा गया और इस फिल्म के ऊपर ही इस फिल्म को बनाया गया है यह फिल्म बीस 20 अप्रैल दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारत एन एनू ने एक सौ से 225 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्म रही अब बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही और यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर वहाँ पर वन क्लिक में आप इस फिल्म को देख सकते हैं बात करें इस फिल्म के रेटिंग के बारे में तो लोगों ने जो फिल्म को रेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग 7.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई एम डी बी के तो, के ऊपर दर्ज की गई है और 84 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आप महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म और कहां कहां उपलब्ध है यह सारी चीजें हम आपको बताएंगे तो जी फाइव के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर वन क्लिक में आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर भी वन क्लिक में यह उपलब्ध है और एमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर यह फिल्म सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध है तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं यूट्यूब की बात करें तो ऑफिशियली तरीके से यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध नहीं है इस फिल्म की ओरिजिनल डबिंग नहीं की गई है हिंदी हिंदी में यानी ओरिजिनल डबिंग नहीं है बस उनके फैंस डब के द्वारा ही फिल्म चारों तरफ अपलोड की गई है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविजन पर यह फिल्म अभी तक हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और यह फिल्म बहुत जल्दी ही आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा भारत एन एन एनू को 20 अप्रैल 2018 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जबकि भारत एन एन एनू नान नान नामक डब तमिल संस्करण को भी 25 मई 2018 को थिएटर के अंदर रिलीज़ किया गया था बाद में इसे 2 नवंबर 2018 को डैसिंग सीएम भारत के रूप में हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म जो उपलब्ध है गोल्ड माइंस के ऊपर तो इस फिल्म का प्रीमियर वहाँ पर ही होगा अब बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो महेश बाबू इस फिल्म के अंदर भरत राम का रोल कर रहे हैं और कियारा आडवाणी इस फिल्म के अंदर वासुमती का रोल कर रही हैं और वरद वरदराजुलू का जो रोल है वो प्रकाश राज ने किया है आर समर्थ कुमार राघव राव ने किया है और सितारा इस फिल्म के अंदर भरत की सौतेली माँ बनी है आमानी भरत की माँ के रूप में दिखाई गई हैं पी रविशंकर विधायक के रूप में दिखाए गए हैं पोषानी कृष्ण मुरली मंत्री बने हैं देवराज विपक्षी नेता श्रीपति बने हैं राव रमेश हेड कांस्टेबल रामचंद्र का रोल कर रहे हैं ब्रह्मा जी भास्कर के रूप में दिखाए गए हैं और अजय अरविंद कृष्ण का रोल कर रहे हैं बनर्जी ने मंत्री का रोल किया है जीवा शिक्षा मंत्री पारा ब्रह्मम पी का रोल किया है पृथ्वीराज विधायक के रूप में देखे गए हैं देखने के लिए मिलेंगे देवदास कन्नकला वरिष्ठ राजनीतज्ञ के रूप में दिखाई दिए हैं और शत्रु ने दामू का रोल किया है दमू के बेटे जगदीश का रोल किया है सूर्या ने मित्रा का रोल किया है और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है जिसमें वो कामयाब भी होते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का क्या अपना ओपिनियन था और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा तो हिंदुस्तान टाइम की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए और कहा सीएम के रूप में महेश बाबू एक नए युग की शुरुआत करते हैं महेश बाबू के पास व्यवसायिक सिनेमा की सबसे अच्छी चीज़ें हैं एक मजबूत विषय एक कसी हुई फिल्म और एक ऐसी भूमिका जिसे वह निभा सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सुहा सुहास यलांगपुला ने पाँच में से तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा उसमें उल्लेख किया कि भारत ए ए एन एन नेनू आपको बहुत कुछ देता है और इसके पैसे का पूरा यानी की यह एक पैसा वसूल फिल्म है पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो 6 जनवरी 2019 को जी ने अवार्ड तेलुगु ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संवाद सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खोज महिला यानी कियारा आडवाणी को अवार्ड दिया और भी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए इसे नॉमिनेट किया गया फिल्म का जो हिंदी एल्बम हिंदी वर्जन है वो जी नेटवर्क के पास है तो इस फिल्म को जिस जी सिनेमा जी के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर होगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे और होता भी रहता है और जी मूवीज़ के ऊपर भी इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने के लिए मिल सकता है हालाँकि ये ऑफिशियली नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमको मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कहानी दिखाई जाती है इस फिल्म के अंदर जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग भरत राम एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र है जो ऑक्सफोर्ड में अपनी पाँचवीं डिग्री प्राप्त करता है जश्न मनाने के बाद उसके चाचा उसे बताते हैं कि उसके पिता राघव राव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी स्ट्रोक में यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई भरत घर पहुंचता है और पुरानी यादें ताज़ा करता है और चीज़ें सब चीज उसे यानी कि फ्लैशबैक में कहानी चलाया जाता है वहाँ दिखाया जाता है कि एक बच्चे के रूप में भरत अपना अधिकांश समय अपनी माँ और सबसे अच्छे दोस्त सुभाष के साथ बिताता था, था, था क्योंकि उसके पिता अपने सबसे अच्छे देश दोस्त वरद राजू पार्टी अध्यक्ष जो भारत के भारत के चाचा भी है उनके साथ राजनीतिक पार्टी की स्थापना में व्यस्त है एक छोटा सा वादा तोड़ने के बाद उसकी माँ उसे डांटती है और उसे प्रतिबद्धता के महत्व के बारे में बताती है और वह बाद में अपनी उस अपनी नींद में मर जाती है जिससे भारत पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसके बाद राघव उसके बाद राघव राव घर की देखभाल करता है लेकिन वरदरुजुल उसे बताता है कि उसे आगामी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और सुझाव देता है कि वह भरत को एक नई मालिक के यानी दोबारा शादी कर ले वो वह सहमत हो जाता है और नई शादी कर लेता है नई पत्नी से एक बच्चा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है और भरत की अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाने की कोशिशें विफल हो जाती हैं इसलिए वह सुभाष के घर पर अधिक समय बिताता है जल्दी सुभाष के माता पिता को लंदन में नौकरी मिल जाती है और वो लोग उनके सा... और वो भरत भी वहाँ लंदन चला जाता है अब उनके मृत्यु के बाद जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था सब उथल पुथल हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें देखता है और कुछ फॉर्मेलिटीज करने के लिए ही वो आया होता है लेकिन अचानक उसके दिल में आता है और वो वहाँ का मिनिस्टर यानी सी एम की कुर्सी संभाल लेता है उसके बाद क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है डैसिंग सीएम भारत तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या था तेलुगु भाषा में यह जो फिल्म बनी थी उसका ओरिजिनल नाम क्या था और इसे लोगों ने कितना पसंद किया और यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि फिल्म डैसिंग सीएम भारत यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म का तेलुगु में जो ओरिजिनल नाम है वो भारत अने है यानी भारत अने एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरा ताला सिवा ने लिखा और निर्देशित किया है जबकि डीवीवी दानिया ने इसका निर्माण किया है फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं, उन्हें उनके साथ कियारा आडवाणी प्रकाश राज आर शरद कुमार अमानी देवराज पोसानी कृष्ण मुरली पी रविशंकर यशपाल शर्मा अजय राव रमेश जीवा और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार हैं संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था जबकि ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म का संपादन किया टेक्निकल ते, डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है कोरा ताला सिवा ने जबकि इस फिल्म की कहानी को कोरा ताला सिवा ने ही लिखा है फिल्म को डीवीवी वी, -वी दानिया के द्वारा उत्पादित किया गया और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्रन ने और संपादित किया है ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म में जो गाने हैं देवी श्री प्रसाद ने दिए हैं और उत्पादन कंपनी जो है वो डी वी वी इंटरटेनमेंट्स के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल 2018 को यह फिल्म रिलीज़ की गई और एक मिनट की इस फिल्म की रन टाइम है यह फिल्म इंडिया के अंदर तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट पैंसठ करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक से 225 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भारत पर आ, भारत पर आधारित है जो अपने पिता आंध्र प्रदेश यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश जब वो आपस में एक था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस समय के कहानी ली गई है और उसके पिता जब मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो भारत इंडिया लौटता है और भ्रष्टाचार से निराश भारत नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का फैसला करता है और अंततः विवादों का सामना करता है और दुश्मन बहुत सारे बना लेता है इसी के ऊपर इस फिल्म को डिपेंड करा गया और इस फिल्म के ऊपर ही इस फिल्म को बनाया गया है यह फिल्म बीस 20 अप्रैल दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारत एन एनू ने एक सौ से 225 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्म रही अब बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही और यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर वहाँ पर वन क्लिक में आप इस फिल्म को देख सकते हैं बात करें इस फिल्म के रेटिंग के बारे में तो लोगों ने जो फिल्म को रेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग 7.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई एम डी बी के तो, के ऊपर दर्ज की गई है और 84 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आप महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म और कहा, कहा उपलब्ध है यह सारी चीजें हम आपको बताएंगे तो जी फाइव के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर वन क्लिक में आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर भी वन क्लिक में यह उपलब्ध है और एमेजॉन प्राइम वीडियोज के ऊपर यह फिल्म सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध है तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं यूट्यूब की बात करें तो ऑफिशियली तरीके से यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध नहीं है इस फिल्म की ओरिजिनल डबिंग नहीं की गई है हिंदी हिंदी में यानी ओरिजिनल डबिंग नहीं है बस उनके फैंस डब के द्वारा ही फिल्म चारों तरफ अपलोड की गई है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन पर यह फिल्म अभी तक हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और यह फिल्म बहुत जल्दी ही आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा भारत एन एन एनू को 20 अप्रैल 2018 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जबकि भारत एन एन एनू नान नान नामक डब तमिल संस्करण को भी 25 मई 2018 को थिएटर के अंदर रिलीज़ किया गया था बाद में इसे 2 नवंबर 2018 को डैसिंग सीएम भारत के रूप में हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म जो उपलब्ध है गोल्ड माइंस के ऊपर तो इस फिल्म का प्रीमियर वहाँ पर ही होगा अब बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो महेश बाबू इस फिल्म के अंदर भरत राम का रोल कर रहे हैं और कियारा आडवाणी इस फिल्म के अंदर वासुमती का रोल कर रही हैं और वरद वरदराजुलू का जो रोल है वो प्रकाश राज ने किया है आर समर्थ कुमार राघव राव ने किया है और सितारा इस फिल्म के अंदर भरत की सौतेली माँ बनी है आमानी भरत की माँ के रूप में दिखाई गई हैं पी रविशंकर विधायक के रूप में दिखाए गए हैं पोषानी कृष्ण मुरली मंत्री बने हैं देवराज विपक्षी नेता श्रीपति बने हैं राव रमेश हेड कांस्टेबल रामचंद्र का रोल कर रहे हैं ब्रह्मा जी भास्कर के रूप में दिखाए गए हैं और अजय अरविंद कृष्ण का रोल कर रहे हैं बनर्जी ने मंत्री का रोल किया है जीवा शिक्षा मंत्री पारा ब्रह्मम पी का रोल किया है पृथ्वीराज विधायक के रूप में देखे गए हैं देखने के लिए मिलेंगे देवदास कन्नकला वरिष्ठ राजनीतज्ञ के रूप में दिखाई दिए हैं और शत्रु ने दामू का रोल किया है दमू के बेटे जगदीश का रोल किया है सूर्या ने मित्रा का रोल किया है और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है जिसमें वो कामयाब भी होते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का क्या अपना ओपिनियन था और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा तो हिंदुस्तान टाइम की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए और कहा सीएम के रूप में महेश बाबू एक नए युग की शुरुआत करते हैं महेश बाबू के पास व्यवसायिक सिनेमा की सबसे अच्छी चीज़ें हैं एक मजबूत विषय एक कसी हुई फिल्म और एक ऐसी भूमिका जिसे वह निभा सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सुहा सुहास यलांगपुला ने पाँच में से तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा उसमें उल्लेख किया कि भारत ए एन एन नेनू आपको बहुत कुछ देता है और इसके पैसे का पूरा यानी की यह एक पैसा वसूल फिल्म है पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो 6 जनवरी 2019 को जी ने अवार्ड तेलुगु ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संवाद सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खोज महिला यानी कियारा आडवाणी को अवार्ड दिया और भी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए इसे नॉमिनेट किया गया फिल्म का जो हिंदी एल्बम हिंदी वर्जन है वो जी नेटवर्क के पास है तो इस फिल्म को जिस जी सिनेमा जी के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर होगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे और होता भी रहता है और जी मूवीज़ के ऊपर भी इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने के लिए मिल सकता है हालांकि ये अभी ऑफिशियली नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमको मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कहानी दिखाई जाती है इस फिल्म के अंदर जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग भरत राम एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र है जो ऑक्सफोर्ड में अपनी पाँचवीं डिग्री प्राप्त करता है जश्न मनाने के बाद उसके चाचा उसे बताते हैं कि उसके पिता राघव राव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी स्ट्रोक में यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई भरत घर पहुंचता है और पुरानी यादें ताज़ा करता है और चीज़ें सब चीज उसे यानी कि फ्लैशबैक में कहानी चलाया जाता है वहाँ दिखाया जाता है कि एक बच्चे के रूप में भरत अपना अधिकांश समय अपनी माँ और सबसे अच्छे दोस्त सुभाष के साथ बिताता था, था, था क्योंकि उसके पिता अपने सबसे अच्छे देश दोस्त वरद राजू पार्टी अध्यक्ष जो भारत के भारत के चाचा भी है उनके साथ राजनीतिक पार्टी की स्थापना में व्यस्त है एक छोटा सा वादा तोड़ने के बाद उसकी माँ उसे डांटती है और उसे प्रतिबद्धता के महत्व के बारे में बताती है और वह बाद में अपनी उस अपनी नींद में मर जाती है जिससे भारत पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसके बाद राघव आ, उसके बाद राघव राव घर की देखभाल करता है लेकिन वरद वरदरुजुलू उसे बताता है कि उसे आगामी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और सुझाव देता है कि वह भरत को एक नई माँ लेके यानी दोबारा शादी कर ले वो वह सहमत हो जाता है और नई शादी कर लेता है नई पत्नी से एक बच्चा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है और भरत की अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाने की कोशिशें विफल हो जाती हैं इसलिए वह सुभाष के घर पर अधिक समय बिताता है जल्द ही सुभाष के माता पिता को लंदन में नौकरी मिल जाती है और वो लोग उनके और वो भरत भी वहाँ लंदन चला जाता है अब उनके मृत्यु के बाद जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था सब उथल पुथल हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें देखता है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए ही वो आया होता है लेकिन अचानक उसके दिल में आता है और वो वहाँ का मिनिस्टर यानी सीएम की कुर्सी संभाल लेता है उसके बाद क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है डैसिंग सीएम भारत तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सी भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या था तेलुगु भाषा में यह जो फिल्म बनी थी उसका ओरिजिनल नाम क्या था और इसे लोगों ने कितना पसंद किया और यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि फिल्म डैसिंग सीएम भारत यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म का तेलुगु में जो ओरिजिनल नाम है वो भारत अन है यानी भारत अने एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरा ताला सिवा ने लिखा और निर्देशित किया है जबकि डीवीवी दानिया ने इसका निर्माण किया है फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं, उन्हें उनके साथ कियारा आडवाणी प्रकाश राज आर शरद कुमार अमानी देवराज पोसानी कृष्ण मुरली पी रविशंकर यशपाल शर्मा अजय राव रमेश जीवा और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार हैं संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था जबकि ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म का संपादन किया टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है कोरा ताला सिवा ने जबकि इस फिल्म की कहानी को कोरा ताला सिवा ने ही लिखा है फिल्म को डीवीवी वी, -वी दानिया के द्वारा उत्पादित किया गया और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्रन ने और संपादित किया है ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म में जो गाने हैं देवी श्री प्रसाद ने दिए हैं और उत्पादन कंपनी जो है वो डी वी वी इंटरटेनमेंट्स के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल 2018 को यह फिल्म रिलीज़ की गई और एक मिनट की इस फिल्म की रन टाइम है यह फिल्म इंडिया के अंदर तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट पैंसठ करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक से 225 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भारत पर आ, भारत पर आधारित है जो अपने पिता आंध्र प्रदेश यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश जब वो आपस में एक था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस समय के कहानी ली गई है और उसके पिता जब मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो भारत इंडिया लौटता है और भ्रष्टाचार से निराश भारत नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का फैसला करता है और अंततः विवादों का सामना करता है और दुश्मन बहुत सारे बना लेता है इसी के ऊपर इस फिल्म को डिपेंड करा गया और इस फिल्म के ऊपर ही इस फिल्म को बनाया गया है यह फिल्म बीस 20 अप्रैल दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारत एन एनू ने एक सौ से 225 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्म रही अब बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही और यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर वहाँ पर वन क्लिक में आप इस फिल्म को देख सकते हैं बात करें इस फिल्म के रेटिंग के बारे में तो लोगों ने जो फिल्म को रेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग 7.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आईएमडीबी के तब तो, के ऊपर दर्ज की गई है और 84 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आप महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म और कहा, कहा उपलब्ध है यह सारी चीजें हम आपको बताएंगे तो जी फाइव के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर वन क्लिक में आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर भी वन क्लिक में यह उपलब्ध है और एमेजॉन प्राइम वीडियोज के ऊपर यह फिल्म सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध है तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं यूट्यूब की बात करें तो ऑफिशियली तरीके से यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध नहीं है इस फिल्म की ओरिजिनल डबिंग नहीं की गई है हिंदी हिंदी में यानी ओरिजिनल डबिंग नहीं है बस उनके फैंस डब के द्वारा ही फिल्म चारों तरफ अपलोड की गई है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविजन पर यह फिल्म अभी तक हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और यह फिल्म बहुत जल्दी ही आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा भारत एन एन एनू को 20 अप्रैल 2018 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जबकि भारत एन एन एनू नान नान नामक डब तमिल संस्करण को भी 25 मई 2018 को थिएटर के अंदर रिलीज़ किया गया था बाद में इसे 2 नवंबर 2018 को डैसिंग सीएम भारत के रूप में हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म जो उपलब्ध है गोल्ड माइंस के ऊपर तो इस फिल्म का प्रीमियर वहाँ पर ही होगा अब बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो महेश बाबू इस फिल्म के अंदर भरत राम का रोल कर रहे हैं और कियारा आडवाणी इस फिल्म के अंदर वासुमती का रोल कर रही हैं और वरद वरदराजुलू का जो रोल है वो प्रकाश राज ने किया है आर समर्थ कुमार राघव राव ने किया है और सितारा इस फिल्म के अंदर भरत की सौतेली माँ बनी है आमानी भरत की माँ के रूप में दिखाई गई हैं पी रविशंकर विधायक के रूप में दिखाए गए हैं पोषानी कृष्ण मुरली मंत्री बने हैं देवराज विपक्षी नेता श्रीपति बने हैं राव रमेश हेड कांस्टेबल रामचंद्र का रोल कर रहे हैं ब्रह्मा जी भास्कर के रूप में दिखाए गए हैं और अजय अरविंद कृष्ण का रोल कर रहे हैं बनर्जी ने मंत्री का रोल किया है जीवा शिक्षा मंत्री पारा ब्रह्मम पी का रोल किया है पृथ्वीराज विधायक के रूप में देखे गए हैं देखने के लिए मिलेंगे देवदास कन्नकला वरिष्ठ राजनीतज्ञ के रूप में दिखाई दिए हैं और शत्रु ने दामू का रोल किया है दमू के बेटे जगदीश का रोल किया है सूर्या ने मित्रा का रोल किया है और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है जिसमें वो कामयाब भी होते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का क्या अपना ओपिनियन था और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा तो हिंदुस्तान टाइम की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए और कहा सीएम के रूप में महेश बाबू एक नए युग की शुरुआत करते हैं महेश बाबू के पास व्यवसायिक सिनेमा की सबसे अच्छी चीज़ें हैं एक मजबूत विषय एक कसी हुई फिल्म और एक ऐसी भूमिका जिसे वह निभा सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सुहा सुहास यलांगपुला ने पाँच में से तीन दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और कहा उसमें उल्लेख किया कि भारत ए एन एन नैनू आपको बहुत कुछ देता है और इसके पैसे का पूरा यानी की यह एक पैसा वसूल फिल्म है पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो 6 जनवरी 2019 को जी ने अवार्ड तेलुगु ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संवाद सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खोज महिला यानी कियारा आडवाणी को अवार्ड दिया और भी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए इसे नॉमिनेट किया गया फिल्म का जो हिंदी एल्बम हिंदी वर्जन है वो जी नेटवर्क के पास है तो इस फिल्म को जिस जी सिनेमा जी के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर होगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे और होता भी रहता है और जी मूवीज़ के ऊपर भी इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने के लिए मिल सकता है हालांकि ये अभी ऑफिशियली नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमको मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कहानी दिखाई जाती है इस फिल्म के अंदर जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग भरत राम एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र है जो ऑक्सफोर्ड में अपनी पाँचवीं डिग्री प्राप्त करता है जश्न मनाने के बाद उसके चाचा उसे बताते हैं कि उसके पिता राघव राव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी स्ट्रोक में यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई भरत घर पहुंचता है और पुरानी यादें ताज़ा करता है और चीज़ें सब चीज उसे यानी कि फ्लैशबैक में कहानी चलाया जाता है वहाँ दिखाया जाता है कि एक बच्चे के रूप में भरत अपना अधिकांश समय अपनी माँ और सबसे अच्छे दोस्त सुभाष के साथ बिताता था, था, था क्योंकि उसके पिता अपने सबसे अच्छे देश दोस्त वरद राजू पार्टी अध्यक्ष जो भारत के भारत के चाचा भी है उनके साथ राजनीतिक पार्टी की स्थापना में व्यस्त है एक छोटा सा वादा तोड़ने के बाद उसकी माँ उसे डांटती है और उसे प्रतिबद्धता के महत्व के बारे में बताती है और वह बाद में अपनी उस अपनी नींद में मर जाती है जिससे भारत पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसके बाद राघव आ, उसके बाद राघव राव घर की देखभाल करता है लेकिन वरद वरदरुजुलू उसे बताता है कि उसे आगामी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और सुझाव देता है कि वह भरत को एक नई माँ लेके यानी दोबारा शादी कर ले वो वह सहमत हो जाता है और नई शादी कर लेता है नई पत्नी से एक बच्चा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है और भरत की अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाने की कोशिशें विफल हो जाती हैं इसलिए वह सुभाष के घर पर अधिक समय बिताता है जल्द ही सुभाष के माता पिता को लंदन में नौकरी मिल जाती है और वो लोग उनके और वो भरत भी वहाँ लंदन चला जाता है अब उनके मृत्यु के बाद जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था सब उथल पुथल हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें देखता है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए ही वो आया होता है लेकिन अचानक उसके दिल में आता है और वो वहाँ का मिनिस्टर यानी सीएम की कुर्सी संभाल लेता है उसके बाद क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है डैसिंग सीएम भारत तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सी भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या था तेलुगु भाषा में यह जो फिल्म बनी थी उसका ओरिजिनल नाम क्या था और इसे लोगों ने कितना पसंद किया और यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि फिल्म डैसिंग सीएम भारत यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म का तेलुगु में जो ओरिजिनल नाम है वो भारत अन है यानी भारत अने एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरा ताला सिवा ने लिखा और निर्देशित किया है जबकि डीवीवी दानिया ने इसका निर्माण किया है फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं उन्हें उनके साथ कियारा आडवाणी प्रकाश राज आर शरद कुमार अमानी देवराज पोसानी कृष्ण मुरली पी रविशंकर यशपाल शर्मा अजय राव रमेश जीवा और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार हैं संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था जबकि ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म का संपादन किया टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है कोरा ताला सिवा ने जबकि इस फिल्म की कहानी को कोरा ताला सिवा ने ही लिखा है फिल्म को डीवीवी वी, -वी दानिया के द्वारा उत्पादित किया गया और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्रन ने और संपादित किया है ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म में जो गाने हैं देवी श्री प्रसाद ने दिए हैं और उत्पादन कंपनी जो है वो डीवीवी वी इंटरटेनमेंट्स के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल 2018 को यह फिल्म रिलीज़ की गई और एक मिनट की इस फिल्म की रन टाइम है यह फिल्म इंडिया के अंदर तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट पैंसठ करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक से 225 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भारत पर आ, भारत पर आधारित है जो अपने पिता आंध्र प्रदेश यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश जब वो आपस में एक था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस समय के कहानी ली गई है और उसके पिता जब मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो भारत इंडिया लौटता है और भ्रष्टाचार से निराश भारत नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का फैसला करता है और अंततः विवादों का सामना करता है और दुश्मन बहुत सारे बना लेता है इसी के ऊपर इस फिल्म को डिपेंड करा गया और इस फिल्म के ऊपर ही इस फिल्म को बनाया गया है यह फिल्म बीस 20 अप्रैल दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारत एन एनू ने एक सौ से 225 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यवसायिक सफल फिल्म रही अब बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही और यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर वहाँ पर वन क्लिक में आप इस फिल्म को देख सकते हैं बात करें इस फिल्म के रेटिंग के बारे में तो लोगों ने जो फिल्म को रेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग 7.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई एम डी बी के तो, के ऊपर दर्ज की गई है और 84 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आप महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म और उपलब्ध है यह सारी चीजें हम आपको बताएंगे तो जी फाइव के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर वन क्लिक में आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर भी वन क्लिक में यह उपलब्ध है और एमेजॉन प्राइम वीडियोज के ऊपर यह फिल्म सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध है तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं यूट्यूब की बात करें तो ऑफिशियली तरीके से यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध नहीं है इस फिल्म की ओरिजिनल डबिंग नहीं की गई है हिंदी हिंदी में यानी ओरिजिनल डबिंग नहीं है बस उनके फैंस डब के द्वारा ही फिल्म चारों तरफ अपलोड की गई है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविजन पर यह फिल्म अभी तक हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और यह फिल्म बहुत जल्दी ही आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा भारत ए एन एन एनू को 20 अप्रैल 2018 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जबकि भारत एन एन एनू नान नान नामक डब तमिल संस्करण को भी 25 मई 2018 को थिएटर के अंदर रिलीज़ किया गया था बाद में इसे 2 नवंबर 2018 को डैसिंग सीएम भारत के रूप में हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म जो उपलब्ध है गोल्ड माइंस के ऊपर तो इस फिल्म का प्रीमियर वहाँ पर ही होगा अब बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो महेश बाबू इस फिल्म के अंदर भरत राम का रोल कर रहे हैं और कियारा आडवाणी इस फिल्म के अंदर वासुमती का रोल कर रही हैं और वरद वरदराजुलू का जो रोल है वो प्रकाश राज ने किया है आर समर्थ कुमार राघव राव ने किया है और सितारा इस फिल्म के अंदर भरत की सौतेली माँ बनी है आमानी भरत की माँ के रूप में दिखाई गई हैं पी रविशंकर विधायक के रूप में दिखाए गए हैं पोषारी कृष्ण मुरली मंत्री बने हैं देवराज विपक्षी नेता श्रीपति बने हैं राव रमेश हेड कांस्टेबल रामचंद्र का रोल कर रहे हैं ब्रह्मा जी भास्कर के रूप में दिखाए गए हैं और अजय अरविंद कृष्ण का रोल कर रहे हैं बनर्जी ने मंत्री का रोल किया है जीवा शिक्षा मंत्री पारा ब्रह्मम पी का रोल किया है पृथ्वीराज विधायक के रूप में देखे गए हैं देखने के लिए मिलेंगे देवदास कन्नकला वरिष्ठ राजनीतज्ञ के रूप में दिखाई दिए हैं और शत्रु ने दामू का रोल किया है दामू के बेटे जगदीश का रोल किया है सूर्या ने मित्रा का रोल किया है और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है जिसमें वो कामयाब भी होते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का क्या अपना ओपिनियन था और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा तो हिंदुस्तान टाइम की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए और कहा सीएम के रूप में महेश बाबू एक नए युग की शुरुआत करते हैं महेश बाबू के पास व्यवसायिक सिनेमा की सबसे अच्छी चीज़ें हैं एक मजबूत विषय एक कसी हुई फिल्म और एक ऐसी भूमिका जिसे वह निभा सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सुहा सुहास यलांगपुला ने पाँच में से तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा उसमें उल्लेख किया कि भारत ए एन एन नेनू आपको बहुत कुछ देता है और इसके पैसे का पूरा यानी की यह एक पैसा वसूल फिल्म है पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो 6 जनवरी 2019 को जी ने अवार्ड तेलुगु ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संवाद सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खोज महिला यानी कियारा आडवाणी को अवार्ड दिया और भी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए इसे नॉमिनेट किया गया फिल्म का जो हिंदी एल्बम हिंदी वर्जन है वो जी नेटवर्क के पास है तो इस फिल्म को जिस जी सिनेमा जी के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर होगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे और होता भी रहता है और जी मूवीज़ के ऊपर भी इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने के लिए मिल सकता है हालाँकि ये ऑफिशियली नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमको मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कहानी दिखाई जाती है इस फिल्म के अंदर जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग भरत राम एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र है जो ऑक्सफोर्ड में अपनी पाँचवीं डिग्री प्राप्त करता है जश्न मनाने के बाद उसके चाचा उसे बताते हैं कि उसके पिता राघव राव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी स्ट्रोक में यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई भरत घर पहुंचता है और पुरानी यादें ताज़ा करता है और चीज़ें सब चीज उसे यानी कि फ्लैशबैक में कहानी चलाया जाता है वहाँ दिखाया जाता है कि एक बच्चे के रूप में भरत अपना अधिकांश समय अपनी माँ और सबसे अच्छे दोस्त सुभाष के साथ बिताता था, था, था क्योंकि उसके पिता अपने सबसे अच्छे देश दोस्त वरद राजू पार्टी अध्यक्ष जो भारत के भारत के चाचा भी है उनके साथ राजनीतिक पार्टी की स्थापना में व्यस्त है एक छोटा सा वादा तोड़ने के बाद उसकी माँ उसे डांटती है और उसे प्रतिबद्धता के महत्व के बारे में बताती है और वह बाद में अपनी उस अपनी नींद में मर जाती है जिससे भारत पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसके बाद राघव आ, उसके बाद राघव राव घर की देखभाल करता है लेकिन वरदरुजुल उसे बताता है कि उसे आगामी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और सुझाव देता है कि वह भरत को एक नई मालिक के यानी दोबारा शादी कर ले वो वह सहमत हो जाता है और नई शादी कर लेता है नई पत्नी से एक बच्चा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है और भरत की अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाने की कोशिशें विफल हो जाती हैं इसलिए वह सुभाष के घर पर अधिक समय बिताता है जल्दी सुभाष के माता पिता को लंदन में नौकरी मिल जाती है और वो लोग उनके सब, और वो भरत भी वहाँ लंदन चला जाता है अब उनके मृत्यु के बाद जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था सब उथल पुथल हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें देखता है और कुछ फॉर्मेलिटीज करने के लिए ही वो आया होता है लेकिन अचानक उसके दिल में आता है और वो वहाँ का मिनिस्टर यानी सी की कुर्सी संभाल लेता है उसके बाद क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप जरूर देखिएगा फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है डैसिंग सीएम भारत तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या था तेलुगु भाषा में यह जो फिल्म बनी थी उसका ओरिजिनल नाम क्या था और इसे लोगों ने कितना पसंद किया और यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि फिल्म डैसिंग सीएम भारत यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म का तेलुगु में जो ओरिजिनल नाम है वो भारत अने नेनु है यानी भारत अने नेनु एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरा ताला सिवा ने लिखा और निर्देशित किया है जबकि डीवीवी दानिया ने इसका निर्माण किया है फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं, उन्हें उनके साथ कियारा आडवाणी प्रकाश राज आर शरद कुमार अमानी देवराज पोसानी कृष्ण मुरली पी रविशंकर यशपाल शर्मा अजय राव रमेश जीवा और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार हैं संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था जबकि ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म का संपादन किया टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है कोरा ताला सिवा ने जबकि इस फिल्म की कहानी को कोरा ताला सिवा ने ही लिखा है फिल्म को डीवीवी दानिया के द्वारा उत्पादित किया गया और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्रन ने और संपादित किया है ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म में जो गाने हैं देवी श्री प्रसाद ने दिए हैं और उत्पादन कंपनी जो है वो डी वी वी इंटरटेनमेंट्स के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल 2018 को यह फिल्म रिलीज़ की गई और एक मिनट की इस फिल्म की रन टाइम है यह फिल्म इंडिया के अंदर तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट पैंसठ करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक से 225 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भारत पर आ, भारत पर आधारित है जो अपने पिता आंध्र प्रदेश यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश जब वो आपस में एक था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस समय के कहानी ली गई है और उसके पिता जब मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो भारत इंडिया लौटता है और भ्रष्टाचार से निराश भारत नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का फैसला करता है और अंततः विवादों का सामना करता है और दुश्मन बहुत सारे बना लेता है इसी के ऊपर इस फिल्म को डिपेंड करा गया और इस फिल्म के ऊपर ही इस फिल्म को बनाया गया है यह फिल्म बीस 20 अप्रैल दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारत एन एनू ने एक सौ सत्तासी दशमलव छह से दो सौ पच्चीस करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्म रही अब बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही और यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर वहां पर वन क्लिक में आप इस फिल्म को देख सकते हैं बात करें इस फिल्म के रेटिंग के बारे में तो लोगों ने जो फिल्म को रेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग 7.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई एम डी बी के तो, के ऊपर दर्ज की गई है और 84 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आप महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म और कहा, कहा उपलब्ध है यह सारी चीजें हम आपको बताएंगे तो जी फाइव के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर वन क्लिक में आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर भी वन क्लिक में यह उपलब्ध है और एमेजॉन प्राइम वीडियोज के ऊपर यह फिल्म सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध है तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं यूट्यूब की बात करें तो ऑफिशियली तरीके से यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध नहीं है इस फिल्म की ओरिजिनल डबिंग नहीं की गई है हिंदी हिंदी में यानी ओरिजिनल डबिंग नहीं है बस उनके फैंस डब के द्वारा ही फिल्म चारों तरफ अपलोड की गई है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन पर यह फिल्म अभी तक हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और यह फिल्म बहुत जल्दी ही आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा भारत ए एन एन एनू को 20 अप्रैल 2018 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जबकि भारत एन एन एनू नान नान नामक डब तमिल संस्करण को भी 25 मई 2018 को थिएटर के अंदर रिलीज़ किया गया था बाद में इसे 2 नवंबर 2018 को डैसिंग सीएम भारत के रूप में हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म जो उपलब्ध है गोल्ड माइंस के ऊपर तो इस फिल्म का प्रीमियर वहाँ पर ही होगा अब बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो महेश बाबू इस फिल्म के अंदर भरत राम का रोल कर रहे हैं और कियारा आडवाणी इस फिल्म के अंदर वासुमती का रोल कर रही हैं और वरद वरदराजुलू का जो रोल है वो प्रकाश राज ने किया है आर समर्थ कुमार राघव राव ने किया है और सितारा इस फिल्म के अंदर भरत की सौतेली माँ बनी है आमानी भरत की माँ के रूप में दिखाई गई हैं पी रविशंकर विधायक के रूप में दिखाए गए हैं पोषानी कृष्ण मुरली मंत्री बने हैं देवराज विपक्षी नेता श्रीपति बने हैं राव रमेश हेड कांस्टेबल रामचंद्र का रोल कर रहे हैं ब्रह्मा जी भास्कर के रूप में दिखाए गए हैं और अजय अरविंद कृष्ण का रोल कर रहे हैं बनर्जी ने मंत्री का रोल किया है जीवा शिक्षा मंत्री पारा ब्रह्मम पी का रोल किया है पृथ्वीराज विधायक के रूप में देखे गए हैं देखने के लिए मिलेंगे देवदास कन्नकला वरिष्ठ राजनीतज्ञ के रूप में दिखाई दिए हैं और शत्रु ने दामू का रोल किया है दामू के बेटे जगदीश का रोल किया है सूर्या ने मित्रा का रोल किया है और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है जिसमें वो कामयाब भी होते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का क्या अपना ओपिनियन था और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा तो हिंदुस्तान टाइम की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए और कहा सीएम के रूप में महेश बाबू एक नए युग की शुरुआत करते हैं महेश बाबू के पास व्यवसायिक सिनेमा की सबसे अच्छी चीज़ें हैं एक मजबूत विषय एक कसी हुई फिल्म और एक ऐसी भूमिका जिसे वह निभा सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सुहा सुहास यलांगपुला ने पाँच में से तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा उसमें उल्लेख किया कि भारत ए ए एन एन नैनू आपको बहुत कुछ देता है और इसके पैसे का पूरा यानी कि यह एक पैसा वसूल फिल्म है पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो 6 जनवरी 2019 को जी सिने ने अवार्ड तेलुगु ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संवाद सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खोज महिला यानी कियारा आडवाणी को अवार्ड दिया और भी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए इसे नॉमिनेट किया गया फिल्म का जो हिंदी एल्बम हिंदी वर्जन है वो जी नेटवर्क के पास है तो इस फिल्म को जिस जी सिनेमा जी के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर होगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे और होता भी रहता है और जी मूवीज़ के ऊपर भी इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने के लिए मिल सकता है हालाँकि ये ऑफिशियली नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमको मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कहानी दिखाई जाती है इस फिल्म के अंदर जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग भरत राम एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र है जो ऑक्सफोर्ड में अपनी पाँचवीं डिग्री प्राप्त करता है जश्न मनाने के बाद उसके चाचा उसे बताते हैं कि उसके पिता राघव राव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी स्ट्रोक में यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई भरत घर पहुंचता है और पुरानी यादें ताज़ा करता है और चीज़ें सब चीज उसे यानी कि फ्लैशबैक में कहानी चलाया जाता है वहाँ दिखाया जाता है कि एक बच्चे के रूप में भरत अपना अधिकांश समय अपनी माँ और सबसे अच्छे दोस्त सुभाष के साथ बिताता था, था, था क्योंकि उसके पिता अपने सबसे अच्छे देश दोस्त वरद राजू पार्टी अध्यक्ष जो भारत के भारत के चाचा भी है उनके साथ राजनीतिक पार्टी की स्थापना में व्यस्त है एक छोटा सा वादा तोड़ने के बाद उसकी माँ उसे डांटती है और उसे प्रतिबद्धता के महत्व के बारे में बताती है और वह बाद में अपनी उस अपनी नींद में मर जाती है जिससे भारत पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसके बाद राघव उसके बाद राघव राव घर की देखभाल करता है लेकिन वरद वरदरुजुलू उसे बताता है कि उसे आगामी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और सुझाव देता है कि वह भरत को एक नई माँ लेके यानी दोबारा शादी कर ले वो वह सहमत हो जाता है और नई शादी कर लेता है नई पत्नी से एक बच्चा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है और भरत की अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाने की कोशिशें विफल हो जाती हैं इसलिए वह सुभाष के घर पर अधिक समय बिताता है जल्द ही सुभाष के माता पिता को लंदन में नौकरी मिल जाती है और वो लोग उनके और वो भरत भी वहाँ लंदन चला जाता है अब उनके मृत्यु के बाद जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था सब उथल पुथल हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें देखता है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए ही वो आया होता है लेकिन अचानक उसके दिल में आता है और वो वहाँ का मिनिस्टर यानी सीएम की कुर्सी संभाल लेता है उसके बाद क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है डैसिंग सीएम भारत तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के, के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सी भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या था तेलगु भाषा में यह जो फिल्म बनी थी उसका ओरिजिनल नाम क्या था और इसे लोगों ने कितना पसंद किया और यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि फिल्म डैसिंग सीएम भारत यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म का तेलुगु में जो ओरिजिनल नाम है वो भारत अने नेनु है यानी भारत अने नेनु एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरा ताला सिवा ने लिखा और निर्देशित किया है जबकि डीवीवी दानिया ने इसका निर्माण किया है फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं उन्हें उनके साथ किआरा आडवाणी प्रकाश राज आर शरद कुमार अमानी देवराज पोसानी कृष्ण मुरली पी रविशंकर यशपाल शर्मा अजय राव रमेश जीवा और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार हैं संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था जबकि ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म का संपादन किया टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है कोरा ताला सिवा ने जबकि इस फिल्म की कहानी को कोरा ताला सिवा ने ही लिखा है फिल्म को डीवीवी वी, -वी दानिया के द्वारा उत्पादित किया गया और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्रन ने और संपादित किया है ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म में जो गाने हैं देवी श्री प्रसाद ने दिए हैं और उत्पादन कंपनी जो है वो डी वी वी इंटरटेनमेंट्स के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल 2018 को यह फिल्म रिलीज़ की गई और एक मिनट की इस फिल्म की रन टाइम है यह फिल्म इंडिया के अंदर तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट पैंसठ करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक से 225 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भारत पर आ, भारत पर आधारित है जो अपने पिता आंध्र प्रदेश यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश जब वो आपस में एक था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस समय के कहानी ली गई है और उसके पिता जब मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो भारत इंडिया लौटता है और भ्रष्टाचार से निराश भारत नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का फैसला करता है और अंततः विवादों का सामना करता है और दुश्मन बहुत सारे बना लेता है इसी के ऊपर इस फिल्म को डिपेंड करा गया और इस फिल्म के ऊपर ही इस फिल्म को बनाया गया है यह फिल्म बीस 20 अप्रैल दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारत एन एनू ने एक सौ सत्तासी से दो सौ पच्चीस करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्म रही अब बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही और यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर वहाँ पर वन क्लिक में आप इस फिल्म को देख सकते हैं बात करें इस फिल्म के रेटिंग के बारे में तो लोगों ने जो फिल्म को रेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग 7.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई एम डी बी के तो, के ऊपर दर्ज की गई है और 84 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आप महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म और उपलब्ध है यह सारी चीजें हम आपको बताएंगे तो जी फाइव के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर वन क्लिक में आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर भी वन क्लिक में यह उपलब्ध है और एमेजॉन प्राइम वीडियोज के ऊपर यह फिल्म सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध है तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं यूट्यूब की बात करें तो ऑफिशियली तरीके से यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध नहीं है इस फिल्म की ओरिजिनल डबिंग नहीं की गई है हिंदी हिंदी में यानी ओरिजिनल डबिंग नहीं है बस उनके फैंस डब के द्वारा ही फिल्म चारों तरफ अपलोड की गई है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविजन पर यह फिल्म अभी तक हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और यह फिल्म बहुत जल्दी ही आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा भारत एन एन एनू को 20 अप्रैल 2018 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जबकि भारत एन एन एनू नान नान नामक डब तमिल संस्करण को भी 25 मई 2018 को थिएटर के अंदर रिलीज़ किया गया था बाद में इसे 2 नवंबर 2018 को डैसिंग सीएम भारत के रूप में हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म जो उपलब्ध है गोल्ड माइंस के ऊपर तो इस फिल्म का प्रीमियर वहाँ पर ही होगा अब बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो महेश बाबू इस फिल्म के अंदर भरत राम का रोल कर रहे हैं और कियारा आडवाणी इस फिल्म के अंदर वासुमती का रोल कर रही हैं और वरद वरदराजुलू का जो रोल है वो प्रकाश राज ने किया है आर समर्थ कुमार राघव राव ने किया है और सितारा इस फिल्म के अंदर भरत की सौतेली माँ बनी है आमानी भरत की माँ के रूप में दिखाई गई हैं पी रविशंकर विधायक के रूप में दिखाए गए हैं पोषानी कृष्ण मुरली मंत्री बने हैं देवराज विपक्षी नेता श्रीपति बने हैं राव रमेश हेड कांस्टेबल रामचंद्र का रोल कर रहे हैं ब्रह्मा जी भास्कर के रूप में दिखाए गए हैं और अजय अरविंद कृष्ण का रोल कर रहे हैं बनर्जी ने मंत्री का रोल किया है जीवा शिक्षा मंत्री पारा ब्रह्मम पी का रोल किया है पृथ्वीराज विधायक के रूप में देखे गए हैं देखने के लिए मिलेंगे देवदास कन्नकला वरिष्ठ राजनीतज्ञ के रूप में दिखाई दिए हैं और शत्रु ने दामू का रोल किया है दामू के बेटे जगदीश का रोल किया है सूर्या ने मित्रा का रोल किया है और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है जिसमें वो कामयाब भी होते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का क्या अपना ओपिनियन था और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा तो हिंदुस्तान टाइम की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए और कहा सीएम के रूप में महेश बाबू एक नए युग की शुरुआत करते हैं महेश बाबू के पास व्यवसायिक सिनेमा की सबसे अच्छी चीज़ें हैं एक मजबूत विषय एक कसी हुई फिल्म और एक ऐसी भूमिका जिसे वह निभा सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सुहा सुहास यलांगपुला ने पाँच में से तीन दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और कहा उसमें उल्लेख किया कि भारत ए ए एन एन नेनू आपको बहुत कुछ देता है और इसके पैसे का पूरा यानी कि यह एक पैसा वसूल फिल्म है पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो 6 जनवरी 2019 को जी ने अवार्ड तेलुगु ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संवाद सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खोज महिला यानी कियारा आडवाणी को अवार्ड दिया और भी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए इसे नॉमिनेट किया गया फिल्म का जो हिंदी एल्बम हिंदी वर्जन है वो जी नेटवर्क के पास है तो इस फिल्म को जिस जी सिनेमा जी के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर होगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे और होता भी रहता है और जी मूवीज़ के ऊपर भी इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने के लिए मिल सकता है हालांकि ये अभी ऑफिशियली नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमको मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कहानी दिखाई जाती है इस फिल्म के अंदर जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग भरत राम एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र है जो ऑक्सफोर्ड में अपनी पाँचवीं डिग्री प्राप्त करता है जश्न मनाने के बाद उसके चाचा उसे बताते हैं कि उसके पिता राघव राव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी स्ट्रोक में यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई भरत घर पहुंचता है और पुरानी यादें ताज़ा करता है और चीज़ें सब चीज उसे यानी कि फ्लैशबैक में कहानी चलाया जाता है वहाँ दिखाया जाता है कि एक बच्चे के रूप में भरत अपना अधिकांश समय अपनी माँ और सबसे अच्छे दोस्त सुभाष के साथ बिताता था, था, था क्योंकि उसके पिता अपने सबसे अच्छे देश दोस्त वरद राजू पार्टी अध्यक्ष जो भारत के भारत के चाचा भी है उनके साथ राजनीतिक पार्टी की स्थापना में व्यस्त है एक छोटा सा वादा तोड़ने के बाद उसकी माँ उसे डांटती है और उसे प्रतिबद्धता के महत्व के बारे में बताती है और वह बाद में अपनी उस अपनी नींद में मर जाती है जिससे भारत पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसके बाद राघव उसके बाद राघव राव घर की देखभाल करता है लेकिन वरद वरदरुजुलू उसे बताता है कि उसे आगामी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और सुझाव देता है कि वह भरत को एक नई माँ लेके यानी दोबारा शादी कर ले वो वह सहमत हो जाता है और नई शादी कर लेता है नई पत्नी से एक बच्चा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है और भरत की अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाने की कोशिशें विफल हो जाती हैं इसलिए वह सुभाष के घर पर अधिक समय बिताता है जल्द ही सुभाष के माता पिता को लंदन में नौकरी मिल जाती है और वो लोग उनके और वो भरत भी वहाँ लंदन चला जाता है अब उनके मृत्यु के बाद जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था सब उथल पुथल हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें देखता है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए ही वो आया होता है लेकिन अचानक उसके दिल में आता है और वो वहाँ का मिनिस्टर यानी सीएम की कुर्सी संभाल लेता है उसके बाद क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है डैसिंग सीएम भारत तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सी भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या था तेलगु भाषा में यह जो फिल्म बनी थी उसका ओरिजिनल नाम क्या था और इसे लोगों ने कितना पसंद किया और यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि फिल्म डैसिंग सीएम भारत यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म का तेलुगु में जो ओरिजिनल नाम है वो भारत अने नेनु है यानी भारत अने नेनु एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरा ताला सिवा ने लिखा और निर्देशित किया है जबकि डीवीवी दानिया ने इसका निर्माण किया है फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं, उन्हें उनके साथ कियारा आडवाणी प्रकाश राज आर शरद कुमार अमानी देवराज पोसानी कृष्ण मुरली पी रविशंकर यशपाल शर्मा अजय राव रमेश जीवा और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार हैं संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था जबकि ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म का संपादन किया टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है कोरा ताला सिवा ने जबकि इस फिल्म की कहानी को कोरा ताला सिवा ने ही लिखा है फिल्म को डीवीवी वी, वी दानिया के द्वारा उत्पादित किया गया और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्रन ने और संपादित किया है ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म में जो गाने हैं देवी श्री प्रसाद ने दिए हैं और उत्पादन कंपनी जो है वो डी वी वी इंटरटेनमेंट्स के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल 2018 को यह फिल्म रिलीज़ की गई और एक मिनट की इस फिल्म की रन टाइम है यह फिल्म इंडिया के अंदर तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट पैंसठ करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक से 225 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भारत पर आ, भारत पर आधारित है जो अपने पिता आंध्र प्रदेश यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश जब वो आपस में एक था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस समय के कहानी ली गई है और उसके पिता जब मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो भारत इंडिया लौटता है और भ्रष्टाचार से निराश भारत नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का फैसला करता है और अंततः विवादों का सामना करता है और दुश्मन बहुत सारे बना लेता है इसी के ऊपर इस फिल्म को डिपेंड करा गया और इस फिल्म के ऊपर ही इस फिल्म को बनाया गया है यह फिल्म बीस 20 अप्रैल दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारत एन एनू ने एक सौ से 225 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यवसायिक सफल फिल्म रही अब बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही और यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर वहाँ पर वन क्लिक में आप इस फिल्म को देख सकते हैं बात करें इस फिल्म के रेटिंग के बारे में तो लोगों ने जो फिल्म को रेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग 7.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई एम डी बी के तो, के ऊपर दर्ज की गई है और 84 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आप महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म और उपलब्ध है यह सारी चीजें हम आपको बताएंगे तो जी फाइव के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर वन क्लिक में आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर भी वन क्लिक में यह उपलब्ध है और एमेजॉन प्राइम वीडियोज के ऊपर यह फिल्म सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध है तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं यूट्यूब की बात करें तो ऑफिशियली तरीके से यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध नहीं है इस फिल्म की ओरिजिनल डबिंग नहीं की गई है हिंदी हिंदी में यानी ओरिजिनल डबिंग नहीं है बस उनके फैंस डब के द्वारा ही फिल्म चारों तरफ अपलोड की गई है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविजन पर यह फिल्म अभी तक हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और यह फिल्म बहुत जल्दी ही आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा भारत एन एन एनू को 20 अप्रैल 2018 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जबकि भारत एन एन एनू नान नान नामक डब तमिल संस्करण को भी 25 मई 2018 को थिएटर के अंदर रिलीज़ किया गया था बाद में इसे 2 नवंबर 2018 को डैसिंग सीएम भारत के रूप में हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म जो उपलब्ध है गोल्ड माइंस के ऊपर तो इस फिल्म का प्रीमियर वहाँ पर ही होगा अब बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो महेश बाबू इस फिल्म के अंदर भरत राम का रोल कर रहे हैं और कियारा आडवाणी इस फिल्म के अंदर वासुमती का रोल कर रही हैं और वरद वरदराजुलू का जो रोल है वो प्रकाश राज ने किया है आर समर्थ कुमार राघव राव ने किया है और सितारा इस फिल्म के अंदर भरत की सौतेली माँ बनी है अमानी भरत की माँ के रूप में दिखाई गई हैं पी रविशंकर विधायक के रूप में दिखाए गए हैं पोषारी कृष्ण मुरली मंत्री बने हैं देवराज विपक्षी नेता श्रीपति बने हैं राव रमेश हेड कांस्टेबल रामचंद्र का रोल कर रहे हैं ब्रह्मा जी भास्कर के रूप में दिखाए गए हैं और अजय अरविंद कृष्ण का रोल कर रहे हैं बनर्जी ने मंत्री का रोल किया है जीवा शिक्षा मंत्री पारा ब्रह्मम पी का रोल किया है पृथ्वीराज विधायक के रूप में देखे गए हैं देखने के लिए मिलेंगे देवदास कन्नकला वरिष्ठ राजनीतज्ञ के रूप में दिखाई दिए हैं और शत्रु ने दामू का रोल किया है दामू के बेटे जगदीश का रोल किया है सूर्या ने मित्रा का रोल किया है और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है जिसमें वो कामयाब भी होते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का क्या अपना ओपिनियन था और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा तो हिंदुस्तान टाइम की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए और कहा सीएम के रूप में महेश बाबू एक नए युग की शुरुआत करते हैं महेश बाबू के पास व्यवसायिक सिनेमा की सबसे अच्छी चीज़ें हैं एक मजबूत विषय एक कसी हुई फिल्म और एक ऐसी भूमिका जिसे वह निभा सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सुहा सुहास यलांगपुला ने पाँच में से तीन दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और कहा उसमें उल्लेख किया कि भारत ए एन एन नैनू आपको बहुत कुछ देता है और इसके पैसे का पूरा यानी कि यह एक पैसा वसूल फिल्म है पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो 6 जनवरी 2019 को जी ने अवार्ड तेलुगु ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संवाद सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खोज महिला यानी कियारा आडवाणी को अवार्ड दिया और भी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए इसे नॉमिनेट किया गया फिल्म का जो हिंदी एल्बम हिंदी वर्जन है वो जी नेटवर्क के पास है तो इस फिल्म को जिस जी सिनेमा जी के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर होगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे और होता भी रहता है और जी मूवीज़ के ऊपर भी इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने के लिए मिल सकता है हालांकि ये अभी ऑफिशियली नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमको मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कहानी दिखाई जाती है इस फिल्म के अंदर जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग भरत राम एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र है जो ऑक्सफोर्ड में अपनी पाँचवीं डिग्री प्राप्त करता है जश्न मनाने के बाद उसके चाचा उसे बताते हैं कि उसके पिता राघव राव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी स्ट्रोक में यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई भरत घर पहुंचता है और पुरानी यादें ताज़ा करता है और चीज़ें सब चीज उसे यानी कि फ्लैशबैक में कहानी चलाया जाता है वहाँ दिखाया जाता है कि एक बच्चे के रूप में भरत अपना अधिकांश समय अपनी माँ और सबसे अच्छे दोस्त सुभाष के साथ बिताता था, था, था क्योंकि उसके पिता अपने सबसे अच्छे देश दोस्त वरद राजू पार्टी अध्यक्ष जो भारत के भारत के चाचा भी है उनके साथ राजनीतिक पार्टी की स्थापना में व्यस्त है एक छोटा सा वादा तोड़ने के बाद उसकी माँ उसे डांटती है और उसे प्रतिबद्धता के महत्व के बारे में बताती है और वह बाद में अपनी उस अपनी नींद में मर जाती है जिससे भारत पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसके बाद राघव उसके बाद राघव राव घर की देखभाल करता है लेकिन वरद वरदरुजुलू उसे बताता है कि उसे आगामी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और सुझाव देता है कि वह भरत को एक नई माँ लेके यानी दोबारा शादी कर ले वो वह सहमत हो जाता है और नई शादी कर लेता है नई पत्नी से एक बच्चा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है और भरत की अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाने की कोशिशें विफल हो जाती हैं इसलिए वह सुभाष के घर पर अधिक समय बिताता है जल्द ही सुभाष के माता पिता को लंदन में नौकरी मिल जाती है और वो लोग उनके और वो भरत भी वहाँ लंदन चला जाता है अब उनके मृत्यु के बाद जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था सब उथल पुथल हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें देखता है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए ही वो आया होता है लेकिन अचानक उसके दिल में आता है और वो वहाँ का मिनिस्टर यानी सीएम की कुर्सी संभाल लेता है उसके बाद क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है डैसिंग सीएम भारत तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सी भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या था तेलगु भाषा में यह जो फिल्म बनी थी उसका ओरिजिनल नाम क्या था और इसे लोगों ने कितना पसंद किया और यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि फिल्म डैसिंग सीएम भारत यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म का तेलुगु में जो ओरिजिनल नाम है वो भारत अने नेनु है यानी भारत अने नेनु एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरा ताला सिवा ने लिखा और निर्देशित किया है जबकि डीवीवी दानिया ने इसका निर्माण किया है फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं, उन्हें उनके साथ कियारा आडवाणी प्रकाश राज आर शरद कुमार अमानी देवराज पोसानी कृष्ण मुरली पी रविशंकर यशपाल शर्मा अजय राव रमेश जीवा और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार हैं संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था जबकि ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म का संपादन किया टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है कोरा ताला सिवा ने जबकि इस फिल्म की कहानी को कोरा ताला सिवा ने ही लिखा है फिल्म को डीवीवी दानिया के द्वारा उत्पादित किया गया और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्रन ने और संपादित किया है ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म में जो गाने हैं देवी श्री प्रसाद ने दिए हैं और उत्पादन कंपनी जो है वो डी वी वी इंटरटेनमेंट्स के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल 2018 को यह फिल्म रिलीज़ की गई और एक मिनट की इस फिल्म की रन टाइम है यह फिल्म इंडिया के अंदर तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट पैंसठ करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक से 225 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भारत पर आ, भारत पर आधारित है जो अपने पिता आंध्र प्रदेश यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश जब वो आपस में एक था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस समय के कहानी ली गई है और उसके पिता जब मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो भारत इंडिया लौटता है और भ्रष्टाचार से निराश भारत नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का फैसला करता है और अंततः विवादों का सामना करता है और दुश्मन बहुत सारे बना लेता है इसी के ऊपर इस फिल्म को डिपेंड करा गया और इस फिल्म के ऊपर ही इस फिल्म को बनाया गया है यह फिल्म बीस 20 अप्रैल दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारत एन एनू ने एक सौ सत्तासी से दो सौ पच्चीस करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्म रही अब बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही और यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर वहाँ पर वन क्लिक में आप इस फिल्म को देख सकते हैं बात करें इस फिल्म के रेटिंग के बारे में तो लोगों ने जो फिल्म को रेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग 7.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई एम डी बी के तो, के ऊपर दर्ज की गई है और 84 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आप महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म और उपलब्ध है यह सारी चीजें हम आपको बताएंगे तो जी फाइव के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर वन क्लिक में आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर भी वन क्लिक में यह उपलब्ध है और एमेजॉन प्राइम वीडियोज के ऊपर यह फिल्म सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध है तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं यूट्यूब की बात करें तो ऑफिशियली तरीके से यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध नहीं है इस फिल्म की ओरिजिनल डबिंग नहीं की गई है हिंदी हिंदी में यानी ओरिजिनल डबिंग नहीं है बस उनके फैंस डब के द्वारा ही फिल्म चारों तरफ अपलोड की गई है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविजन पर यह फिल्म अभी तक हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और यह फिल्म बहुत जल्दी ही आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा भारत एन एन एनू को 20 अप्रैल 2018 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जबकि भारत एन एन एनू नान नान नामक डब तमिल संस्करण को भी 25 मई 2018 को थिएटर के अंदर रिलीज़ किया गया था बाद में इसे 2 नवंबर 2018 को डैसिंग सीएम भारत के रूप में हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म जो उपलब्ध है गोल्ड माइंस के ऊपर तो इस फिल्म का प्रीमियर वहाँ पर ही होगा अब बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो महेश बाबू इस फिल्म के अंदर भरत राम का रोल कर रहे हैं और कियारा आडवाणी इस फिल्म के अंदर वासुमती का रोल कर रही हैं और वरद वरदराजुलू का जो रोल है वो प्रकाश राज ने किया है आर समर्थ कुमार राघव राव ने किया है और सितारा इस फिल्म के अंदर भरत की सौतेली माँ बनी है अमानी भरत की माँ के रूप में दिखाई गई हैं पी रविशंकर विधायक के रूप में दिखाए गए हैं पोषारी कृष्ण मुरली मंत्री बने हैं देवराज विपक्षी नेता श्रीपति बने हैं राव रमेश हेड कांस्टेबल रामचंद्र का रोल कर रहे हैं ब्रह्मा जी भास्कर के रूप में दिखाए गए हैं और अजय अरविंद कृष्ण का रोल कर रहे हैं बनर्जी ने मंत्री का रोल किया है जीवा शिक्षा मंत्री पारा ब्रह्मम पी का रोल किया है पृथ्वीराज विधायक के रूप में देखे गए हैं देखने के लिए मिलेंगे देवदास कन्नकला वरिष्ठ राजनीतज्ञ के रूप में दिखाई दिए हैं और शत्रु ने दामू का रोल किया है दामू के बेटे जगदीश का रोल किया है सूर्या ने मित्रा का रोल किया है और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है जिसमें वो कामयाब भी होते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का क्या अपना ओपिनियन था और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा तो हिंदुस्तान टाइम की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए और कहा सीएम के रूप में महेश बाबू एक नए युग की शुरुआत करते हैं महेश बाबू के पास व्यवसायिक सिनेमा की सबसे अच्छी चीज़ें हैं एक मजबूत विषय एक कसी हुई फिल्म और एक ऐसी भूमिका जिसे वह निभा सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सुहा सुहास यलांगपुला ने पाँच में से तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा उसमें उल्लेख किया कि भारत ए एन एन नेनू आपको बहुत कुछ देता है और इसके पैसे का पूरा यानी कि यह एक पैसा वसूल फिल्म है पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो 6 जनवरी 2019 को जी ने अवार्ड तेलुगु ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संवाद सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खोज महिला यानी कियारा आडवाणी को अवार्ड दिया और भी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए इसे नॉमिनेट किया गया फिल्म का जो हिंदी एल्बम हिंदी वर्जन है वो जी नेटवर्क के पास है तो इस फिल्म को जिस जी सिनेमा जी के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर होगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे और होता भी रहता है और जी मूवीज़ के ऊपर भी इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने के लिए मिल सकता है हालांकि ये अभी ऑफिशियली नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमको मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कहानी दिखाई जाती है इस फिल्म के अंदर जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग भरत राम एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र है जो ऑक्सफोर्ड में अपनी पाँचवीं डिग्री प्राप्त करता है जश्न मनाने के बाद उसके चाचा उसे बताते हैं कि उसके पिता राघव राव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी स्ट्रोक में यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई भरत घर पहुंचता है और पुरानी यादव ताज़ा करता है और चीज़ें सब चीज उसे यानी कि फ्लैशबैक में कहानी चलाया जाता है वहाँ दिखाया जाता है कि एक बच्चे के रूप में भरत अपना अधिकांश समय अपनी माँ और सबसे अच्छे दोस्त सुभाष के साथ बिताता था, था, था क्योंकि उसके पिता अपने सबसे अच्छे देश दोस्त वरद राजू पार्टी अध्यक्ष जो भारत के भारत के चाचा भी है उनके साथ राजनीतिक पार्टी की स्थापना में व्यस्त है एक छोटा सा वादा तोड़ने के बाद उसकी माँ उसे डांटती है और उसे प्रतिबद्धता के महत्व के बारे में बताती है और वह बाद में अपनी उस अपनी नींद में मर जाती है जिससे भारत पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसके बाद राघव उसके बाद राघव राव घर की देखभाल करता है लेकिन वरद वरदरुजुलू उसे बताता है कि उसे आगामी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और सुझाव देता है कि वह भरत को एक नई माँ लेके यानी दोबारा शादी कर ले वो वह सहमत हो जाता है और नई शादी कर लेता है नई पत्नी से एक बच्चा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है और भरत की अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाने की कोशिशें विफल हो जाती हैं इसलिए वह सुभाष के घर पर अधिक समय बिताता है जल्दी ही सुभाष के माता पिता को लंदन में नौकरी मिल जाती है और वो लोग उनके और वो भरत भी वहाँ लंदन चला जाता है अब उनके मृत्यु के बाद जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था सब उथल पुथल हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें देखता है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए ही वो आया होता है लेकिन अचानक उसके दिल में आता है और वो वहाँ का मिनिस्टर यानी सीएम की कुर्सी संभाल लेता है उसके बाद क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है डैसिंग सीएम भारत तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सी भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या था तेलगु भाषा में यह जो फिल्म बनी थी उसका ओरिजिनल नाम क्या था और इसे लोगों ने कितना पसंद किया और यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि फिल्म डैसिंग सीएम भारत यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म का तेलुगु में जो ओरिजिनल नाम है वो भारत अने नेनु है यानी भारत अने नेनु एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरा ताला सिवा ने लिखा और निर्देशित किया है जबकि डीवीवी दानिया ने इसका निर्माण किया है फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं, उन्हें उनके साथ कियारा आडवाणी प्रकाश राज आर शरद कुमार अमानी देवराज पोसानी कृष्ण मुरली पी रविशंकर यशपाल शर्मा अजय राव रमेश जीवा और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार हैं संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था जबकि ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म का संपादन किया टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है कोरा ताला सिवा ने जबकि इस फिल्म की कहानी को कोरा ताला सिवा ने ही लिखा है फिल्म को डीवीवी वी दानिया के द्वारा उत्पादित किया गया और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्रन ने और संपादित किया है ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म में जो गाने हैं देवी श्री प्रसाद ने दिए हैं और उत्पादन कंपनी जो है वो डी वी वी इंटरटेनमेंट्स के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल 2018 को यह फिल्म रिलीज़ की गई और एक मिनट की इस फिल्म की रन टाइम है यह फिल्म इंडिया के अंदर तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट पैंसठ करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक से 225 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भारत पर आ, भारत पर आधारित है जो अपने पिता आंध्र प्रदेश यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश जब वो आपस में एक था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस समय के कहानी ली गई है और उसके पिता जब मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो भारत इंडिया लौटता है और भ्रष्टाचार से निराश भारत नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का फैसला करता है और अंततः विवादों का सामना करता है और दुश्मन बहुत सारे बना लेता है इसी के ऊपर इस फिल्म को डिपेंड करा गया और इस फिल्म के ऊपर ही इस फिल्म को बनाया गया है यह फिल्म बीस 20 अप्रैल दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारत एन एनू ने एक सौ सत्तासी दशमलव से दो सौ पच्चीस करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्म रही अब बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही और यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर वहाँ पर वन क्लिक में आप इस फिल्म को देख सकते हैं बात करें इस फिल्म के रेटिंग के बारे में तो लोगों ने जो फिल्म को रेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग 7.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई एम डी बी के तो, के ऊपर दर्ज की गई है और 84 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आप महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म और उपलब्ध है यह सारी चीजें हम आपको बताएंगे तो जी फाइव के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर वन क्लिक में आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर भी वन क्लिक में यह उपलब्ध है और एमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर यह फिल्म सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध है तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं यूट्यूब की बात करें तो ऑफिशियली तरीके से यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध नहीं है इस फिल्म की ओरिजिनल डबिंग नहीं की गई है हिंदी हिंदी में यानी ओरिजिनल डबिंग नहीं है बस उनके फैंस डब के द्वारा ही फिल्म चारों तरफ अपलोड की गई है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस की तो टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविजन पर यह फिल्म अभी तक हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और यह फिल्म बहुत जल्दी ही आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा भारत एन एन एनू को 20 अप्रैल 2018 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जबकि भारत एन एन एनू नान नान नामक डब तमिल संस्करण को भी 25 मई 2018 को थिएटर के अंदर रिलीज़ किया गया था बाद में इसे 2 नवंबर 2018 को डैसिंग सीएम भारत के रूप में हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म जो उपलब्ध है गोल्ड माइंस के ऊपर तो इस फिल्म का प्रीमियर वहाँ पर ही होगा अब बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो महेश बाबू इस फिल्म के अंदर भरत राम का रोल कर रहे हैं और कियारा आडवाणी इस फिल्म के अंदर वासुमती का रोल कर रही हैं और वरद वरदराजुलू का जो रोल है वो प्रकाश राज ने किया है आर समर्थ कुमार राघव राव ने किया है और सितारा इस फिल्म के अंदर भरत की सौतेली माँ बनी है अमानी भरत की माँ के रूप में दिखाई गई हैं पी रविशंकर विधायक के रूप में दिखाए गए हैं पोषारी कृष्ण मुरली मंत्री बने हैं देवराज विपक्षी नेता श्रीपति बने हैं राव रमेश हेड कांस्टेबल रामचंद्र का रोल कर रहे हैं ब्रह्मा जी भास्कर के रूप में दिखाए गए हैं और अजय अरविंद कृष्ण का रोल कर रहे हैं बनर्जी ने मंत्री का रोल किया है जीवा शिक्षा मंत्री पारा ब्रह्मम पी का रोल किया है पृथ्वीराज विधायक के रूप में देखे गए हैं देखने के लिए मिलेंगे देवदास कन्नकला वरिष्ठ राजनीतज्ञ के रूप में दिखाई दिए हैं और शत्रु ने दामू का रोल किया है दामू के बेटे जगदीश का रोल किया है सूर्या ने मित्रा का रोल किया है और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है जिसमें वो कामयाब भी होते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का क्या अपना ओपिनियन था और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा तो हिंदुस्तान टाइम की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए और कहा सीएम के रूप में महेश बाबू एक नए युग की शुरुआत करते हैं महेश बाबू के पास व्यवसायिक सिनेमा की सबसे अच्छी चीज़ें हैं एक मजबूत विषय एक कसी हुई फिल्म और एक ऐसी भूमिका जिसे वह निभा सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सुहा सुहास यलांगपुला ने पाँच में से तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा उसमें उल्लेख किया कि भारत ए एन एन नेनू आपको बहुत कुछ देता है और इसके पैसे का पूरा यानी कि यह एक पैसा वसूल फिल्म है पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो 6 जनवरी 2019 को जी ने अवार्ड तेलुगु ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संवाद सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खोज महिला यानी कियारा आडवाणी को अवार्ड दिया और भी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए इसे नॉमिनेट किया गया फिल्म का जो हिंदी एल्बम हिंदी वर्जन है वो जी नेटवर्क के पास है तो इस फिल्म को जिस जी सिनेमा जी के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर होगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे और होता भी रहता है और जी मूवीज़ के ऊपर भी इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने के लिए मिल सकता है हालांकि ये अभी ऑफिशियली नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमको मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कहानी दिखाई जाती है इस फिल्म के अंदर जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग भरत राम एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र है जो ऑक्सफोर्ड में अपनी पाँचवीं डिग्री प्राप्त करता है जश्न मनाने के बाद उसके चाचा उसे बताते हैं कि उसके पिता राघव राव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी स्ट्रोक में यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई भरत घर पहुंचता है और पुरानी यादत ताज़ा करता है और चीज़ें सब चीज उसे यानी कि फ्लैशबैक में कहानी चलाया जाता है वहाँ दिखाया जाता है कि एक बच्चे के रूप में भरत अपना अधिकांश समय अपनी माँ और सबसे अच्छे दोस्त सुभाष के साथ बिताता था, था, था क्योंकि उसके पिता अपने सबसे अच्छे देश दोस्त वरद राजू पार्टी अध्यक्ष जो भारत के भारत के चाचा भी है उनके साथ राजनीतिक पार्टी की स्थापना में व्यस्त है एक छोटा सा वादा तोड़ने के बाद उसकी माँ उसे डांटती है और उसे प्रतिबद्धता के महत्व के बारे में बताती है और वह बाद में अपनी उस अपनी नींद में मर जाती है जिससे भारत पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसके बाद राघव आ, उसके बाद राघव राव घर की देखभाल करता है लेकिन वरद वरदरुजुलू उसे बताता है कि उसे आगामी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और सुझाव देता है कि वह भरत को एक नई माँ लेके यानी दोबारा शादी कर ले वो वह सहमत हो जाता है और नई शादी कर लेता है नई पत्नी से एक बच्चा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है और भरत की अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाने की कोशिशें विफल हो जाती हैं इसलिए वह सुभाष के घर पर अधिक समय बिताता है जल्दी ही सुभाष के माता पिता को लंदन में नौकरी मिल जाती है और वो लोग उनके और वो भरत भी वहाँ लंदन चला जाता है अब उनके मृत्यु के बाद जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था सब उथल पुथल हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें देखता है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए ही वो आया होता है लेकिन अचानक उसके दिल में आता है और वो वहाँ का मिनिस्टर यानी सीएम की कुर्सी संभाल लेता है उसके बाद क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है डैसिंग सीएम भारत तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सी भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या था तेलगु भाषा में यह जो फिल्म बनी थी उसका ओरिजिनल नाम क्या था और इसे लोगों ने कितना पसंद किया और यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि फिल्म डैसिंग सीएम भारत यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म का तेलुगु में जो ओरिजिनल नाम है वो भारत अने नेनु है यानी भारत अने नेनु एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरा ताला सिवा ने लिखा और निर्देशित किया है जबकि डीवीवी दानिया ने इसका निर्माण किया है फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं उन्हें उनके साथ कियारा आडवाणी प्रकाश राज आर शरद कुमार अमानी देवराज पोसानी कृष्ण मुरली पी रविशंकर यशपाल शर्मा अजय राव रमेश जीवा और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार हैं संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था जबकि ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म का संपादन किया टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है कोरा ताला सिवा ने जबकि इस फिल्म की कहानी को कोरा ताला सिवा ने ही लिखा है फिल्म को डीवीवी दानिया के द्वारा उत्पादित किया गया और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्रन ने और संपादित किया है ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म में जो गाने हैं देवी श्री प्रसाद ने दिए हैं और उत्पादन कंपनी जो है वो डीवीवी वी इंटरटेनमेंट्स के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल 2018 को यह फिल्म रिलीज़ की गई और एक मिनट की इस फिल्म की रन टाइम है यह फिल्म इंडिया के अंदर तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट पैंसठ करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक से 225 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भारत पर आ, भारत पर आधारित है जो अपने पिता आंध्र प्रदेश यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश जब वो आपस में एक था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस समय के कहानी ली गई है और उसके पिता जब मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो भारत इंडिया लौटता है और भ्रष्टाचार से निराश भारत नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का फैसला करता है और अंततः विवादों का सामना करता है और दुश्मन बहुत सारे बना लेता है इसी के ऊपर इस फिल्म को डिपेंड करा गया और इस फिल्म के ऊपर ही इस फिल्म को बनाया गया है यह फिल्म बीस 20 अप्रैल दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारत एन एनू ने एक सौ सत्तासी दशमलव से दो सौ पच्चीस करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्म रही अब बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही और यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर वहाँ पर वन क्लिक में आप इस फिल्म को देख सकते हैं बात करें इस फिल्म के रेटिंग के बारे में तो लोगों ने जो फिल्म को रेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग 7.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई एम डी बी के तो, के ऊपर दर्ज की गई है और 84 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आप महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म और उपलब्ध है यह सारी चीजें हम आपको बताएंगे तो जी फाइव के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर वन क्लिक में आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर भी वन क्लिक में यह उपलब्ध है और एमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर यह फिल्म सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध है तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं यूट्यूब की बात करें तो ऑफिशियली तरीके से यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध नहीं है इस फिल्म की ओरिजिनल डबिंग नहीं की गई है हिंदी हिंदी में यानी ओरिजिनल डबिंग नहीं है बस उनके फैंस डब के द्वारा ही फिल्म चारों तरफ अपलोड की गई है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की तो टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविजन पर यह फिल्म अभी तक हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और यह फिल्म बहुत जल्दी ही आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा भारत एन एन एनू को 20 अप्रैल 2018 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जबकि भारत एन एन एनू नान नान नामक डब तमिल संस्करण को भी 25 मई 2018 को थिएटर के अंदर रिलीज़ किया गया था बाद में इसे 2 नवंबर 2018 को डैसिंग सीएम भारत के रूप में हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म जो उपलब्ध है गोल्ड माइंस के ऊपर तो इस फिल्म का प्रीमियर वहाँ पर ही होगा अब बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो महेश बाबू इस फिल्म के अंदर भरत राम का रोल कर रहे हैं और कियारा आडवाणी इस फिल्म के अंदर वासुमती का रोल कर रही हैं और वरद वरदराजुलू का जो रोल है वो प्रकाश राज ने किया है आर समर्थ कुमार राघव राव ने किया है और सितारा इस फिल्म के अंदर भरत की सौतेली माँ बनी है अमानी भरत की माँ के रूप में दिखाई गई हैं पी रविशंकर विधायक के रूप में दिखाए गए हैं पोषारी कृष्ण मुरली मंत्री बने हैं देवराज विपक्षी नेता श्रीपति बने हैं राव रमेश हेड कांस्टेबल रामचंद्र का रोल कर रहे हैं ब्रह्मा जी भास्कर के रूप में दिखाए गए हैं और अजय अरविंद कृष्ण का रोल कर रहे हैं बनर्जी ने मंत्री का रोल किया है जीवा शिक्षा मंत्री पारा ब्रह्मम पी का रोल किया है पृथ्वीराज विधायक के रूप में देखे गए हैं देखने के लिए मिलेंगे देवदास कन्नकला वरिष्ठ राजनीतज्ञ के रूप में दिखाई दिए हैं और शत्रु ने दामू का रोल किया है दमू के बेटे जगदीश का रोल किया है सूर्या ने मित्रा का रोल किया है और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है जिसमें वो कामयाब भी होते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का क्या अपना ओपिनियन था और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा तो हिंदुस्तान टाइम की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए और कहा सीएम के रूप में महेश बाबू एक नए युग की शुरुआत करते हैं महेश बाबू के पास व्यवसायिक सिनेमा की सबसे अच्छी चीज़ें हैं एक मजबूत विषय एक कसी हुई फिल्म और एक ऐसी भूमिका जिसे वह निभा सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सुहा सुहास यलांगपुला ने पाँच में से तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा उसमें उल्लेख किया कि भारत ए एन एन नेनू आपको बहुत कुछ देता है और इसके पैसे का पूरा यानी कि यह एक पैसा वसूल फिल्म है पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो 6 जनवरी 2019 को जी ने अवार्ड तेलुगु ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संवाद सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खोज महिला यानी कियारा आडवाणी को अवार्ड दिया और भी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए इसे नॉमिनेट किया गया फिल्म का जो हिंदी एल्बम हिंदी वर्जन है वो जी नेटवर्क के पास है तो इस फिल्म को जिस जी सिनेमा जी के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर होगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे और होता भी रहता है और जी मूवीज़ के ऊपर भी इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने के लिए मिल सकता है हालाँकि ये ऑफिशियली नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमको मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कहानी दिखाई जाती है इस फिल्म के अंदर जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग भरत राम एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र है जो ऑक्सफोर्ड में अपनी पाँचवीं डिग्री प्राप्त करता है जश्न मनाने के बाद उसके चाचा उसे बताते हैं कि उसके पिता राघव राव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी स्ट्रोक में यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई भरत घर पहुंचता है और पुरानी यादव ताज़ा करता है और चीज़ें सब चीज उसे यानी कि फ्लैशबैक में कहानी चलाया जाता है वहाँ दिखाया जाता है कि एक बच्चे के रूप में भरत अपना अधिकांश समय अपनी माँ और सबसे अच्छे दोस्त सुभाष के साथ बिताता था, था, था क्योंकि उसके पिता अपने सबसे अच्छे देश दोस्त वरद राजू पार्टी अध्यक्ष जो भारत के भारत के चाचा भी है उनके साथ राजनीतिक पार्टी की स्थापना में व्यस्त है एक छोटा सा वादा तोड़ने के बाद उसकी माँ उसे डांटती है और उसे प्रतिबद्धता के महत्व के बारे में बताती है और वह बाद में अपनी उस अपनी नींद में मर जाती है जिससे भारत पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसके बाद राघव उसके बाद राघव राव घर की देखभाल करता है लेकिन वरद वरदरुजुलू उसे बताता है कि उसे आगामी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और सुझाव देता है कि वह भरत को एक नई माँ लेके यानी दोबारा शादी कर ले वो वह सहमत हो जाता है और नई शादी कर लेता है नई पत्नी से एक बच्चा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है और भरत की अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाने की कोशिशें विफल हो जाती हैं इसलिए वह सुभाष के घर पर अधिक समय बिताता है जल्द ही सुभाष के माता पिता को लंदन में नौकरी मिल जाती है और वो लोग उनके और वो भरत भी वहाँ लंदन चला जाता है अब उनके मृत्यु के बाद जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था सब उथल पुथल हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें देखता है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए ही वो आया होता है लेकिन अचानक उसके दिल में आता है और वो वहाँ का मिनिस्टर यानी सीएम की कुर्सी संभाल लेता है उसके बाद क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है डैसिंग सीएम भारत तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सी भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या था तेलगु भाषा में यह जो फिल्म बनी थी उसका ओरिजिनल नाम क्या था और इसे लोगों ने कितना पसंद किया और यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि फिल्म डैसिंग सीएम भारत यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म का तेलुगु में जो ओरिजिनल नाम है वो भारत अने नेनु है यानी भारत अने नेनु एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरा ताला सिवा ने लिखा और निर्देशित किया है जबकि डीवीवी दानिया ने इसका निर्माण किया है फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं उन्हें उनके साथ कियारा आडवाणी प्रकाश राज आर शरद कुमार अमानी देवराज पोसानी कृष्ण मुरली पी रविशंकर यशपाल शर्मा अजय राव रमेश जीवा और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार हैं संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था जबकि ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म का संपादन किया टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है कोरा ताला सिवा ने जबकि इस फिल्म की कहानी को कोरा ताला सिवा ने ही लिखा है फिल्म को डीवीवी वी दानिया के द्वारा उत्पादित किया गया और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्रन ने और संपादित किया है ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म में जो गाने हैं देवी श्री प्रसाद ने दिए हैं और उत्पादन कंपनी जो है वो डीवीवी वी इंटरटेनमेंट्स के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल 2018 को यह फिल्म रिलीज़ की गई और एक मिनट की इस फिल्म की रन टाइम है यह फिल्म इंडिया के अंदर तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट पैंसठ करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक से 225 करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भारत पर आ, भारत पर आधारित है जो अपने पिता आंध्र प्रदेश यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश जब वो आपस में एक था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस समय के कहानी ली गई है और उसके पिता जब मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो भारत इंडिया लौटता है और भ्रष्टाचार से निराश भारत नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का फैसला करता है और अंततः विवादों का सामना करता है और दुश्मन बहुत सारे बना लेता है इसी के ऊपर इस फिल्म को डिपेंड करा गया और इस फिल्म के ऊपर ही इस फिल्म को बनाया गया है यह फिल्म बीस 20 अप्रैल दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारत एन एनू ने एक सौ सत्तासी दशमलव से दो सौ पच्चीस करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्म रही अब बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही और यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर वहाँ पर वन क्लिक में आप इस फिल्म को देख सकते हैं बात करें इस फिल्म के रेटिंग के बारे में तो लोगों ने जो फिल्म को रेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग 7.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई के तो, के ऊपर दर्ज की गई है और 84 परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आप महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म और कहाँ कहाँ उपलब्ध है यह सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे तो जी फाइव के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहाँ पर वन क्लिक में आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर भी वन क्लिक में यह उपलब्ध है और अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ के ऊपर यह फिल्म सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध है तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं यूट्यूब की बात करें तो ऑफिशियली तरीके से यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध नहीं है इस फिल्म की ओरिजिनल डबिंग नहीं की गई है हिंदी हिंदी में यानी ओरिजिनल डबिंग नहीं है बस उनके फैंस डब के द्वारा ही फिल्म चारों तरफ अपलोड की गई है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन्स की तो टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविजन पर यह फिल्म अभी तक हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और यह फिल्म बहुत जल्दी ही आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा भारत एन एन नेनू को 20 अप्रैल 2018 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जबकि भारत एन एन एनू नान नान नामक डब तमिल संस्करण को भी 25 मई 2018 को थिएटर के अंदर रिलीज़ किया गया था बाद में इसे 2 नवंबर 2018 को डैसिंग सीएम भारत के रूप में हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म जो उपलब्ध है गोल्ड माइंस के ऊपर तो इस फिल्म का प्रीमियर वहाँ पर ही होगा अब बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो महेश बाबू इस फिल्म के अंदर भरत राम का रोल कर रहे हैं और कियारा आडवाणी इस फिल्म के अंदर वासुमती का रोल कर रही हैं और वरद वरदराजुलू का जो रोल है वो प्रकाश राज ने किया है आर समर्थ कुमार राघव राव ने किया है और सितारा इस फिल्म के अंदर भरत की सौतेली माँ बनी है अमानी भरत की माँ के रूप में दिखाई गई हैं पी रविशंकर विधायक के रूप में दिखाए गए हैं पोषारी कृष्ण मुरली मंत्री बने हैं देवराज विपक्षी नेता श्रीपति बने हैं राव रमेश हेड कांस्टेबल रामचंद्र का रोल कर रहे हैं ब्रह्मा जी भास्कर के रूप में दिखाए गए हैं और अजय अरविंद कृष्ण का रोल कर रहे हैं बनर्जी ने मंत्री का रोल किया है जीवा शिक्षा मंत्री पारा ब्रह्मम पी का रोल किया है पृथ्वीराज विधायक के रूप में देखे गए हैं देखने के लिए मिलेंगे देवदास कनकला वरिष्ठ राजनीतज्ञ के रूप में दिखाई दिए हैं और शत्रु ने दामू का रोल किया है दामू के बेटे जगदीश का रोल किया है सूर्या ने मित्रा का रोल किया है और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है जिसमें वो कामयाब भी होते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का क्या अपना ओपिनियन था और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा तो हिंदुस्तान टाइम की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए और कहा सीएम के रूप में महेश बाबू एक नए युग की शुरुआत करते हैं महेश बाबू के पास व्यवसायिक सिनेमा की सबसे अच्छी चीज़ें हैं एक मजबूत विषय एक कसी हुई फिल्म और एक ऐसी भूमिका जिसे वह निभा सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सुहा सुहास यलांगपुला ने पाँच में से तीन की स्टार रेटिंग दिया और कहा उसमें उल्लेख किया कि भारत ए एन एन नेनू आपको बहुत कुछ देता है और इसके पैसे का पूरा यानी कि यह एक पैसा वसूल फिल्म है पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो 6 जनवरी 2019 को जी ने अवार्ड तेलुगु ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संवाद सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खोज महिला यानी कियारा आडवाणी को अवार्ड दिया और भी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए इसे नॉमिनेट किया गया फिल्म का जो हिंदी एल्बम हिंदी वर्जन है वो जी नेटवर्क के पास है तो इस फिल्म को जिस जी सिनेमा जी के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर होगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे और होता भी रहता है और जी मूवीज़ के ऊपर भी इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने के लिए मिल सकता है हालाँकि ये ऑफिशियली नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमको मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कहानी दिखाई जाती है इस फिल्म के अंदर जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग भरत राम एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र है जो ऑक्सफोर्ड में अपनी पाँचवीं डिग्री प्राप्त करता है जश्न मनाने के बाद उसके चाचा उसे बताते हैं कि उसके पिता राघव राव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी स्ट्रोक में यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई भरत घर पहुंचता है और पुरानी यादत ताज़ा करता है और चीज़ें सब चीज उसे यानी कि फ्लैशबैक में कहानी चलाया जाता है वहाँ दिखाया जाता है कि एक बच्चे के रूप में भरत अपना अधिकांश समय अपनी माँ और सबसे अच्छे दोस्त सुभाष के साथ बिताता था, था, था क्योंकि उसके पिता अपने सबसे अच्छे देश दोस्त वरद राजू पार्टी अध्यक्ष जो भारत के भारत के चाचा भी है उनके साथ राजनीतिक पार्टी की स्थापना में व्यस्त है एक छोटा सा वादा तोड़ने के बाद उसकी माँ उसे डांटती है और उसे प्रतिबद्धता के महत्व के बारे में बताती है और वह बाद में अपनी उस अपनी नींद में मर जाती है जिससे भारत पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसके बाद राघव आ, उसके बाद राघव राव घर की देखभाल करता है लेकिन वरद वरदरुजुलू उसे बताता है कि उसे आगामी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और सुझाव देता है कि वह भरत को एक नई माँ लेके यानी दोबारा शादी कर ले वो वह सहमत हो जाता है और नई शादी कर लेता है नई पत्नी से एक बच्चा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है और भरत की अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाने की कोशिशें विफल हो जाती हैं इसलिए वह सुभाष के घर पर अधिक समय बिताता है जल्द ही सुभाष के माता पिता को लंदन में नौकरी मिल जाती है और वो लोग उनके और वो भरत भी वहाँ लंदन चला जाता है अब उनके मृत्यु के बाद जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था सब उथल पुथल हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें देखता है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए ही वो आया होता है लेकिन अचानक उसके दिल में आता है और वो वहाँ का मिनिस्टर यानी सीएम की कुर्सी संभाल लेता है उसके बाद क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है डैसिंग सीएम भारत तो यह फिल्म कौन सी है और आपको यह फिल्म कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल और कौन कौन से टेलीविज़न चैनल पर ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में देखने के लिए मिल सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो अगर आप साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और अगर आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना आप पसंद करते हैं या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ को हिंदी भाषा में देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी बॉलीवुड की नई मूवीज़ या फिर साउथ इंडियंस मूवीज़ की हिंदी वर्जन फिल्में आपको सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से हिंदी भाषा में कब और कहाँ पर देखने के लिए मिलती है ये सारे अपडेट्स हम आपको अपने इस चैनल पर वीडियोज़ के माध्यम से देते रहते हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सीएम भारत से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सारे बताएंगे उसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन छायांकन संपादन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बताएंगे साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू भी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम फिल्म डैसिंग सी भारत के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ इस फिल्म की कहानी का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिल्म के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि इस फिल्म का ओरिजिनल नाम क्या था तेलगु भाषा में यह जो फिल्म बनी थी उसका ओरिजिनल नाम क्या था और इसे लोगों ने कितना पसंद किया और यह फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि फिल्म डैसिंग सीएम भारत यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म है और इस फिल्म का तेलुगु में जो ओरिजिनल नाम है वो भारत अने नेनु है यानी भारत अने नेनु एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरा ताला सिवा ने लिखा और निर्देशित किया है जबकि डीवीवी दानिया ने इसका निर्माण किया है फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं उन्हें उनके साथ कियारा आडवाणी प्रकाश राज आर शरद कुमार अमानी देवराज पोसानी कृष्ण मुरली पी रविशंकर यशपाल शर्मा अजय राव रमेश जीवा और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार हैं संगीत देवी श्री प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था जबकि ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म का संपादन किया टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है कोरा ताला सिवा ने जबकि इस फिल्म की कहानी को कोरा ताला सिवा ने ही लिखा है फिल्म को डीवीवी दानिया के द्वारा उत्पादित किया गया और इस फिल्म को छायांकित किया है रवि के चंद्रन ने और संपादित किया है ए श्रीकर प्रसाद ने फिल्म में जो गाने हैं देवी श्री प्रसाद ने दिए हैं और उत्पादन कंपनी जो है वो डीवीवी वी इंटरटेनमेंट्स के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था फिल्म की रिलीज़ की तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल 2018 को यह फिल्म रिलीज़ की गई और एक मिनट की इस फिल्म की रन टाइम है यह फिल्म इंडिया के अंदर तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया था फिल्म का बजट पैंसठ करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक से दो करोड़ रुपए के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था कहानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र भारत पर आ, भारत पर आधारित है जो अपने पिता आंध्र प्रदेश यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश जब वो आपस में एक था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उस समय के कहानी ली गई है और उसके पिता जब मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो भारत इंडिया लौटता है और भ्रष्टाचार से निराश भारत नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का फैसला करता है और अंततः विवादों का सामना करता है और दुश्मन बहुत सारे बना लेता है इसी के ऊपर इस फिल्म को डिपेंड करा गया और इस फिल्म के ऊपर ही इस फिल्म को बनाया गया है यह फिल्म बीस 20 अप्रैल दो को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और भारत एन एनू ने एक सौ सत्तासी दशमलव से दो सौ पच्चीस करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्म रही अब बात करें इस फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया रही और यह फिल्म आपको कहां पर देखने के लिए मिल सकता है तो दोस्तों यह फिल्म आपके लिए उपलब्ध कराया गया है ओ के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर वहाँ पर वन क्लिक में आप इस फिल्म को देख सकते हैं बात करें इस फिल्म के रेटिंग के बारे में तो लोगों ने जो फिल्म को रेटिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग 7.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की एक शानदार रेटिंग आई एम डी बी के तो, के ऊपर दर्ज की गई है और 84 फोर परसेंट गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक करके इंडिकेट किया है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आप महेश बाबू सर के फैन हैं और उनकी एक्शन ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा फिल्म और उपलब्ध है यह सारी चीजें हम आपको बताएंगे तो जी फाइव के ऊपर भी यह फिल्म उपलब्ध है वहां पर वन क्लिक में आप इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर भी वन क्लिक में यह उपलब्ध है और एमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर यह फिल्म सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध है तो आप वहां पर भी इस फिल्म को देख सकते हैं यूट्यूब की बात करें तो ऑफिशियली तरीके से यह फिल्म यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध नहीं है इस फिल्म की ओरिजिनल डबिंग नहीं की गई है हिंदी हिंदी में यानी ओरिजिनल डबिंग नहीं है बस उनके फैंस डब के द्वारा ही फिल्म चारों तरफ अपलोड की गई है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की तो टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविजन पर यह फिल्म अभी तक हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और यह फिल्म बहुत जल्दी ही आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा भारत एन एन नेनू को 20 अप्रैल 2018 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जबकि भारत एन एन एनू नान नान नामक डब तमिल संस्करण को भी 25 मई 2018 को थिएटर के अंदर रिलीज़ किया गया था बाद में इसे 2 नवंबर 2018 को डैसिंग सीएम भारत के रूप में हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया था और यह फिल्म जो उपलब्ध है गोल्ड माइंस के ऊपर तो इस फिल्म का प्रीमियर वहाँ पर ही होगा अब बात करें इस फिल्म में कौन से कलाकारों ने कौन सा रोल प्ले किया है तो महेश बाबू इस फिल्म के अंदर भरत राम का रोल कर रहे हैं और कियारा आडवाणी इस फिल्म के अंदर वासुमती का रोल कर रही हैं और वरद वरदराजुलू का जो रोल है वो प्रकाश राज ने किया है आर समर्थ कुमार राघव राव ने किया है और सितारा इस फिल्म के अंदर भरत की सौतेली माँ बनी है अमानी भरत की माँ के रूप में दिखाई गई हैं पी रविशंकर विधायक के रूप में दिखाए गए हैं पोषारी कृष्ण मुरली मंत्री बने हैं देवराज विपक्षी नेता श्रीपति बने हैं राव रमेश हेड कांस्टेबल रामचंद्र का रोल कर रहे हैं ब्रह्मा जी भास्कर के रूप में दिखाए गए हैं और अजय अरविंद कृष्ण का रोल कर रहे हैं बनर्जी ने मंत्री का रोल किया है जीवा शिक्षा मंत्री पारा ब्रह्मम पी का रोल किया है पृथ्वीराज विधायक के रूप में देखे गए हैं देखने के लिए मिलेंगे देवदास कनकला वरिष्ठ राजनीतज्ञ के रूप में दिखाई दिए हैं और शत्रु ने दामू का रोल किया है दामू के बेटे जगदीश का रोल किया है सूर्या ने मित्रा का रोल किया है और भी बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है और इस फिल्म को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है जिसमें वो कामयाब भी होते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का क्या अपना ओपिनियन था और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा तो हिंदुस्तान टाइम की प्रियंका सुंदर ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए और कहा सीएम के रूप में महेश बाबू एक नए युग की शुरुआत करते हैं महेश बाबू के पास व्यवसायिक सिनेमा की सबसे अच्छी चीजें हैं एक मजबूत विषय एक कसी हुई फिल्म और एक ऐसी भूमिका जिसे वह निभा सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सुहा सुहास यलांगपुला ने पाँच में से तीन दशमलव पाँच की स्टार रेटिंग दिया और कहा उसमें उल्लेख किया कि भारत ए, नेनु, ए, ए एन एन ने आपको बहुत कुछ देता है और इसके पैसे का पूरा मूल्य यानी कि यह एक पैसा वसूल फिल्म है पुरस्कार एवं नामांकन की बात करें तो 6 जनवरी 2019 को जी सिने अवार्ड तेलुगु ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संवाद सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ खोज महिला यानी कियारा आडवाणी को अवार्ड दिया और भी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए इसे नॉमिनेट किया गया फिल्म का जो हिंदी एल्बम हिंदी वर्जन है वो जी नेटवर्क के पास है तो इस फिल्म को जिस जी सिनेमा जी के ऊपर इस फिल्म का प्रीमियर होगा तो आप वहाँ पर देख पाएंगे और होता भी रहता है और जी मूवीज़ के ऊपर भी इस फिल्म का प्रीमियर आपको देखने के लिए मिल सकता है हालाँकि ये ऑफिशियली नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमको मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कहानी दिखाई जाती है इस फिल्म के अंदर जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग भरत राम एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्र है जो ऑक्सफोर्ड में अपनी पाँचवीं डिग्री प्राप्त करता है जश्न मनाने के बाद उसके चाचा उसे बताते हैं कि उसके पिता राघव राव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनकी स्ट्रोक में यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई भरत घर पहुंचता है और पुरानी यादत ताज़ा करता है और चीज़ें सब चीज़ उसे यानी कि फ्लैशबैक में कहानी चलाया जाता है वहाँ दिखाया जाता है कि एक बच्चे के रूप में भरत अपना अधिकांश समय अपनी माँ और सबसे अच्छे दोस्त सुभाष के साथ बिताता था, था, था क्योंकि उसके पिता अपने सबसे अच्छे देश दोस्त वरद राजू पार्टी अध्यक्ष जो भारत के भारत के चाचा भी है उनके साथ राजनीतिक पार्टी की स्थापना में व्यस्त है एक छोटा सा वादा तोड़ने के बाद उसकी माँ उसे डांटती है और उसे प्रतिबद्धता के महत्व के बारे में बताती है और वह बाद में अपनी उस अपनी नींद में मर जाती है जिससे भारत पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसके बाद राघव उसके बाद राघव राव घर की देखभाल करता है लेकिन वरद वरदरुजुलू उसे बताता है कि उसे आगामी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और सुझाव देता है कि वह भरत को एक नई माँ लेके यानी दोबारा शादी कर ले वो वह सहमत हो जाता है और नई शादी कर लेता है नई पत्नी से एक बच्चा होता है जिसका नाम सिद्धार्थ है और भरत की अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाने की कोशिशें विफल हो जाती हैं इसलिए वह सुभाष के घर पर अधिक समय बिताता है जल्द ही सुभाष के माता पिता को लंदन में नौकरी मिल जाती है और वो लोग उनके और वो भरत भी वहाँ लंदन चला जाता है अब उनके मृत्यु के बाद जब वो इंडिया आता है तो इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था सब उथल पुथल हो गई हैं तो ये सारी चीज़ें देखता है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए ही वो आया होता है लेकिन अचानक उसके दिल में आता है और वो वहाँ का मिनिस्टर यानी सीएम की कुर्सी संभाल लेता है उसके बाद क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी